एपिसोड 381 ट्रूथ। अगर तुम मुझे सच बताना नहीं चाहते तो इट्स ओके। वैसे भी तुम तो तनुजा से कुछ साल ही बड़े हो। इसका मतलब ये हुआ कि कविता परमिंदर के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। नीरजा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए इतरा कर बोली। ये गुस्सा और दुख जो कि नीरजा के अंदर इतने सालों से दबा हुआ था वो वक्त आने पर बाहर निकल रहा था। नीरजा आगे बोली, परमिंदर कितना बेवकूफ है, वो कविता को इतना पसंद करता था। उसने हमेशा उसे बड़े ही प्यार से किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा था और वो उसके साथ रिलेशन में आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। तुम्हारी माँ एक बच्चलन औरत है। तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मेरी माँ को नहीं। उन्होंने पहले ही उस परमिंदर की वजह से बहुत दुख झेले हैं। अमित का गुस्सा सातवें आसमान पर था, उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि परमिंदर और मेरे डिवोर्स के बाद उसने तुम्हारी माँ से शादी क्यों नहीं की, नीरजा ने कहा। इसके बाद वो अमित के चेहरे की तरफ देखते हुए नीचे झुककर जमीन पर बैठ गई और बोली, क्या परमिंदर को उसकी नाजायज औलाद के बारे में पता चल गया था? क्या तुम इस वजह से मेरी बेटी को अब तक दुख पहुंचा रहे थे? क्या तुम अपनी माँ का बदला मेरी बेटी को दुख पहुंचा कर लेना चाहते थे? ये तुम क्या कह रही हो, अमित अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला। झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कविता ने तुम्हें सच ना बताया हो। वो परमिंदर को बहुत प्यार करती थी, वो उसके पर्सनल काम तक करती थी, जैसे कभी उसके कपड़े धोना तो कभी प्रोजेक्ट रिसर्च में उसका साथ देना। वो हमेशा परमिंदर का बहुत ध्यान रखती थी, यहाँ तक कि परमिंदर तो उसे बिजनेस ट्रिप्स पर भी लेकर जाता था। कविता मुझे उन दोनों की ट्रिप की पिक्चर्स भेजा करती थी। उस वक्त परमिंदर और कविता के बारे में सब जानते थे कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तुम्हें पता है मैंने परमिंदर से डिवोर्स क्यों लिया? क्योंकि मुझे उन दोनों से घिन आने लगी थी, नीरजा गुस्से से बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अमित धीरे से बड़बड़ाने लगा। यह अमित के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। अमित बस अपना सिर ना में हिलाए जा रहा था, वो इन सब बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नीरजा को अमित की हालत देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। वो धीरे से उठी और बोली, अमित मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुमने कंपनी बेचने का डिसीजन इतनी हड़बड़ी में लिया कि मेरे पास यहाँ आने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं अपनी बेटी के नाम पर बनाई गई कंपनी को किसी के भी हाथ में नहीं जाने देना चाहती, इसलिए मुझे उसे खरीदना ही पड़ा। ये तो अभी शुरुआत है, बस तुम अब देखते जाओ कि आगे आगे मैं तुम्हें कितने दर्द देती हूँ। तुम्हें हर उस दर्द का कर्ज उतारना होगा जो तुमने तनुजा को दिया है। इतना कहकर नीरजा ने कुछ कदम पीछे लिए और अपनी आंखों से इशारा करते हुए असिस्टेंट और बाकी लोगों को आगे का काम करने का सिग्नल दे दिया। असिस्टेंट और बाकी सभी ने एक एक करके अमित को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अमित ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया, वो बस अपने हाथों से अपने चेहरे को बचाते हुए वहां लेटा रहा। कुछ देर बाद जब वो लोग अमित को लातों से मार मार कर थक गए तो असिस्टेंट ने अमित का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए उसके चेहरे पर एक मुक्का दे मारा। अब अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद अमित जमीन पर जा गिरा। अमित को इस तरह देख नीरजा उसके करीब आकर बोली, क्या तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? तुमने तनुजा को इससे भी ज्यादा दर्द दिया है, ये तो बस शुरुआत है। मैं 20 सालों से तनुजा से दूर थी, पर अब मैं आ गई हूँ। मैं कविता और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे मैंने सुना है कि कविता नर्सिंग होम में रहती है, उस जैसी औरत की जगह वहां नहीं बल्कि नर्क में है। इतना कहकर नीरजा कार में बैठ गई। अमित ने जमीन से उठने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहा। वो दर्द से कराहते हुए बोला, तनुजा को मैंने हर्ट किया है, इसमें मेरी माँ का हाथ नहीं है। अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो मुझसे लो। हाँ तुम सही कह रहे हो, पर तुमने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया है और तुम्हारी माँ ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। इसमें सिर्फ तुम्हारी माँ की ही गलती नहीं है, वो परमिंदर भी गुनहगार है। अगर वो अपने परिवार को छोड़कर किसी और औरत के पास ना जाता तो आज मेरा परिवार बिखरा ना होता। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। अगर उस वक्त मैं प्रेग्नेंट ना होती ना और मुझे अपने बच्चों की देखभाल ना करनी होती तो मैं उसे ये सब करने ही नहीं देती कभी। उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था। कविता वो पहली औरत है जिसने मुझे चुनौती दी थी, उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। इतना कहकर नीरजा ने कार का दरवाजा बंद कर लिया। असिस्टेंट और बाकी आदमी भी कार में आकर बैठ गए। कार ने बहुत ही तेजी से यू टर्न लिया और वो लोग पलक झपकते ही धूल उड़ाते हुए वहां से चले गए। अमित ने अपना सिर जमीन से टिका लिया।
उसकी नाक से खून निकल रहा था। उस वक्त उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसके पूरे शरीर पर घाव थे। ये पहली बार था जब अमित को इतनी बुरी तरह चोटें लगी थीं, पर फिर भी जो दर्द अमित इस वक्त अपने दिल में महसूस कर रहा था उसके मुकाबले ये दर्द बहुत ही कम था। अगर इस दर्द से वो तनुजा को पहुंचाए हुए दुख को कम कर पाता तो वो और मार खाने को भी तैयार था। नीरजा तनुजा की माँ थी, इसलिए अमित उसे कुछ नहीं कह सकता था। उसे परमिंदर से अब और नफरत होने लगी थी। अमित यही सोच रहा था कि नीरजा ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच था? क्या उसकी माँ ने ही तनुजा के परिवार को बर्बाद किया था? क्या उसकी माँ सच में बुरी औरत थी? उसके दिमाग में इतनी सारी बातें एक साथ चल रही थीं कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। एक तरफ वो ये भी सोच रहा था कि आखिर नीरजा उसे ये झूठ क्यों बोलेगी कि उसका और परमिंदर का डिवोर्स काफी साल पहले ही हो चुका था। तो क्या कविता ने अब तक अमित को धोखे में रखा था? अमित ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी माँ इतने सालों तक उससे सच छुपा कर रखे हुए थी। आखिर पूरा सच क्या था? तभी अचानक वहाँ एक कार आकर रुकी, जिसमें से आशीष हड़बड़ी में बाहर आया। उसने अमित को उठाया। उसने चिंता जताते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। जैसे ही मैं कार में बैठा, मुझे उस औरत के आदमियों ने घेर लिया। उन्होंने अब जाकर मुझे छोड़ा। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, अमित ने आशीष का हाथ पकड़ते हुए कहा। पर क्यों? वो औरत और उसके आदमी तुम्हें तुम्हारे शेयर खरीदने के बहाने से शहर से इतनी दूर ले आए और तुम्हें इतना मारा, फिर भी तुम पुलिस को बुलाने से मना क्यों कर रहे हो? वैसे मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को अरमान ने भेजा होगा, आशीष ने कहा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि तनुजा की माँ थी, अमित झूठी हंसी हंसते हुए बोला। कि सुनते ही आशीष का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अमित ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। मैंने तनुजा की माँ के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, पर मुझे नहीं पता था कि उसके दो नाम हैं। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर अब मैं सब जानता हूँ। नीरजा ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। मैं ये दर्द डिजर्व करता हूँ। तनुजा ने जितना दर्द सहा है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। आशीष कुछ देर चुप रहा। उसे नहीं पता था कि इस हालत में उसे क्या कहना चाहिए। उसने अमित को जमीन से उठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तुम्हें काफी चोटें आई हैं। यहाँ दूसरी तरफ रास्ते में नीरजा को सिद्धार्थ का फोन आया। उसने जैसे ही कॉल पिक की तो सिद्धार्थ झट से बोला, मामा आपने उस अमित को सबक सिखाया कि नहीं? तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने आदमियों से उसे इतना पिटवाया है कि वो 15 दिन तक बेड से नहीं उठ पाएगा, नीरजा ने कहा। बस 15 दिन? आपने उसके किए की इतनी सी सजा दी? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ता। इस सब के लिए अभी बहुत वक्त है, ये तो बस शुरुआत थी। तुम देखते जाओ मैं आगे उस अमित के साथ क्या क्या करती हूँ। मैं उसे मेरी बेटी की कंपनी हड़पने की सजा जरूर दूंगी। वैसे मैंने उसकी माँ से मिलने का भी प्लान बनाया था, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कविता से नहीं मिल पाई, नीरजा ने कहा। मॉम आपको उस अमित से हर दर्द का बदला लेना होगा जो उसने हमारे परिवार को दिया है। उसकी वजह से मेरे परिवार ने बहुत से दुख देखे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, सबको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, नीरजा ने सिद्धार्थ को विश्वास दिलाते हुए कहा। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि आप तनुजा से मिली या नहीं, सिद्धार्थ एक्साइटेड होते हुए बोला। एपिसोड 382, हियरिंग पोस्टपोन्ड। ये सुनकर नीरजा चुप पड़ गई। उसके चेहरे पर अपनी बेटी से न मिल पाने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बस तनुजा को ही ढूंढ रही थीं। 20 साल गुजर गए थे और अब तक नीरजा ने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी थी। न जाने उसे क्यों डर और शर्मिंदगी दोनों ही महसूस हो रही थीं। उसे डर था कि कहीं तनुजा उसे अपनाने से इनकार न कर दे, क्योंकि नीरजा कहीं न कहीं अपनी माँ होने का फर्ज निभाने में असफल रही थी। नीरजा को ये भी नहीं पता था कि परमिंदर ने इतने सालों में तनुजा को उसके खिलाफ क्या कुछ कहकर भड़काया होगा। सिद्धार्थ नीरजा की चुप्पी से समझ चुका था कि वो अभी तक तनुजा से नहीं मिली है। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मेरे एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं मैं पहली फ्लाइट से वहां आ जाऊंगा, इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। इसके बाद नीरजा ने अपने फोन की गैलरी में से तनुजा की एक फोटो देखी। नीरजा को ये फोटो ऑनलाइन मिली थी। इस फोटो में तनुजा डरी और सहमी हुई अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। तनुजा की ये फोटोग्राफ पिछले क्रिसमस पर एक रिपोर्टर ने क्लिक की थी। उस वक्त कुछ लोग तनुजा को तंग कर रहे थे।
नीरजा को अब बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपनी बेटी पर इतने सालों से ध्यान नहीं दिया। तनुजा ने अपनी जिंदगी में बहुत से दुख झेले थे। उसकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ था जिसके बारे में नीरजा को खबर तक नहीं थी। इस फोटोग्राफ में तनुजा की आंखों में नमी दिखाई दे रही थी। ये देखकर नीरजा का दिल सहम सा गया था। अब नीरजा ने ठान ली थी कि वो तनुजा को और दुख नहीं झेलने देगी। वो उसे ढूंढकर दुनिया की वो सारी खुशियां देगी जिन्हें वो डिजर्व करती है। यहाँ दूसरी तरफ तनुजा शहर के सबसे महंगे होटल में ठहरी हुई थी, हयात रीजेंसी, जहाँ एक रात स्टे की फीस काफी ज्यादा थी। ये होटल तनुजा के लिए अरमान ने बुक किया था। वो बस चाहता था कि तनुजा को इस वक्त रहने और खाने के लिए सब कुछ फर्स्ट क्लास मिले, क्योंकि इस वक्त तनुजा प्रेग्नेंट थी और अरमान तनुजा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। तनुजा गार्डन में बैठी अपना फोन चला रही थी। परमिंदर के केस की न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई थी। सभी लोग इस केस के बारे में बातें कर रहे थे। इस वक्त मीडिया रिपोर्टर्स भी परमिंदर की ही साइड थे। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो पोस्ट करके अमित को भला बुरा तक कह रहे थे। अब सब लोग जान चुके थे कि अमित कितना बुरा इंसान है। सबको ये भी पता लग चुका था कि पिछले 2 सालों में अमित ने कितनी प्रॉपर्टीज इलीगल तरीके से हड़पी हैं। एक न्यूज चैनल ने तो इसका भी खुलासा कर दिया था कि अब तक अमित के नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। न्यूज में ये सब देखकर तनुजा हैरान थी। वो न्यूज पढ़ने में बिजी थी कि तभी उसके सामने एक परछाई आई और पलक झपकते ही उसका फोन उसके हाथों से छीन लिया गया। अब अरमान तनुजा के सामने खड़ा था। अरमान ने इस वक्त एक सिंपल सी शर्ट और पजामा पहना था। वो इस वक्त भी काफी हैंडसम लग रहा था। तनुजा की नजरें अरमान के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थीं। मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, पर प्लीज मेरी तरफ इस तरह मत देखो, अरमान तनुजा को छेड़ते हुए बोला और उसके पास आकर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए तनुजा की तरफ देख रहा था। आज मुझे तुम पहले से काफी यंग लग रहे हो, तनुजा भी अरमान को छेड़ते हुए बोली। ये सुनकर अरमान शर्मा गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तनुजा की बात का क्या जवाब दे। एक बार के लिए अरमान को लगा कि तनुजा उसे यंग कह रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो पहले यंग नहीं दिखता था। लाओ मुझे मेरा फोन दे दो, तनुजा ने अपना फोन लेने के लिए हाथ आगे किया। तुम सारा टाइम फोन यूज मत किया करो, मोबाइल फोन्स में से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, इनसे मेरी होने वाली नन्ही सी परी को नुकसान हो सकता है, अरमान ने चेयर पर बैठते हुए कहा। मैंने इस वक्त एंटी रेडिएशन सूट पहना हुआ है जो तुमने मुझे बाहर से लाकर दिया था। तुमने तो कहा था कि ये मुझे न्यूक्लियर रेडिएशन से भी बचा लेगा, तनुजा बोली। पर फिर भी ज्यादा फोन चलाना अच्छी बात नहीं होती, अरमान तनुजा के फोन में देखने लगा कि आखिर तनुजा ऐसा क्या पढ़ रही थी। तनुजा का फोन लॉक था। अरमान ने पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली पर उससे लॉक नहीं खुला। इसके बाद अरमान ने नाखुश होते हुए कहा, क्या तुम्हारे फोन का पासवर्ड मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है? तनुजा के पास अब कहने को कुछ नहीं था। तनुजा ने इस सब के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, यहाँ तक कि अरमान ने खुद तनुजा को अपनी बर्थ डेट बताई थी, लेकिन उसे ये सब करना पसंद नहीं था। अरमान, क्या तुम्हारा पासवर्ड मेरी डेट ऑफ बर्थ है? तनुजा ने पूछा। मेरा पासवर्ड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ नहीं, बल्कि वो डेट है जब हम पहली बार मिले थे, अरमान ने खुश होकर कहा। तुम्हें याद है हम कब मिले थे? तनुजा ने झट से पूछा। हाँ बिल्कुल, अरमान अपना सिर गर्व से ऊंचा करते हुए कहने लगा। जिस दिन तुमने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की थी और अमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हम उस दिन पहली बार मिले थे। मुझे ये दिन इसलिए याद है क्योंकि मैंने अमन को वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे देने के लिए कहा था। तनुजा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि अरमान उसके बारे में इतना सोचता है और उससे जुड़ी हर एक चीज को इतनी इम्पोर्टेंस देता है। तनुजा को लगा ही नहीं था कि अरमान इतनी छोटी छोटी चीजों को भी याद रखेगा। अचानक तनुजा को याद आया कि आखिर में वो कॉन्ट्रैक्ट अरमान को मिला था। अरमान जानता था कि इस वक्त तनुजा के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने झट से कहा, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, तब तुम इतनी खूबसूरत नहीं दिखती थी, कोई भी तुम्हारी तरफ उस वक्त अट्रैक्ट नहीं होता। ये सुनकर तनुजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो काफी हैरान थी। उसने सख्त मिजाज में कहा, मेरा फोन मुझे दो अरमान। तनुजा बीते दिनों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तभी अरमान ने कहा, इधर आओ और अपना पासवर्ड मेरा बर्थ डेट सेट करो। तनुजा को प्रेग्नेंट होने की वजह से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता था। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें दिखता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तुम मुझे उठकर यहाँ वहाँ आने के लिए कह रहे हो।
मैं तो बस चाहता था कि तुम मेरे पास आकर बैठो, अरमान ने कहा। अभी मेरा मन नहीं है, तनुजा ने बेरुखी से कहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर यहाँ ले आऊं? अरमान ने प्यार भरी निगाहों से तनुजा को देखते हुए कहा। ये सुनकर तनुजा उठी और अरमान के करीब जाकर बैठ गई। उसने अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए फिंगरप्रिंट से लॉक को अनलॉक किया। तभी अरमान की नजर उस न्यूज पर गई जो तनुजा कुछ देर पहले ही बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। पासवर्ड सेट होने के बाद अरमान तनुजा से बोला, तुम फिर अमित के बारे में न्यूज पढ़ने लगी? हाँ, वो मैं अमित के बारे में ही पढ़ रही थी। कुछ रिपोर्टर्स ने तो अमित के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली है, तनुजा ने कहा। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तुम अभी अमित के बारे में जानती ही क्या हो? अरमान अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाया। वो ये सब एक सरकास्टिक टोन में कह रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि उसका नाम अमित है और वो एक आदमी है। अगर तुम्हें इससे ज्यादा उसके बारे में पता होता तो वो तुम्हें इतनी बुरी तरह चीट ना कर पाता। अरमान की बात सुनकर तनुजा को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अरमान को चोटी काटी। अरमान समझ गया था कि तनुजा को उसका मजाक अच्छा नहीं लगा। वो चुप पड़ गया और फिर अचानक तनुजा बोली, अमित के डैड मेडिकल लाइन में थे, लेकिन उसके डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो हुआ ये था कि उस होटल में आग लग गई थी जिसमें अमित के डैड भी मौजूद थे। ये सुनकर अरमान थोड़ा उदास हो गया। ये सुनने के बाद उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। किसी के लिए अपना फैमिली मेंबर को खोना बहुत दुख की बात होती है। मैं जानती हूँ कि अमित की पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं ये कोइंसिडेंस तो नहीं कि अमित की फैमिली यहाँ आकर रहने लगी और उसके डैड की मौत भी यहीं हुई? क्या इसका मेरी फैमिली से कुछ लेना देना है? कहीं इसी वजह से अरमान मेरे डैड से नफरत तो नहीं करता? मुझे लगता है कि जरूर अमित और मेरी फैमिली के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तनुजा सीरियस होते हुए बोली। तनुजा के मन में इस वक्त ढेरों सवाल थे। अरमान ने तनुजा का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। कृति और उसकी टीम अमित के खिलाफ सबूत ढूंढने में जुटी है ताकि साहिल मित्तल भी उन्हें ना हरा सके। ठीक है, तनुजा ने अपना सिर अरमान के कंधे पर रखते हुए कहा। माफ करना, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, कृति बाहर दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को छेड़ते हुए बोली। कृति की आवाज सुनकर अरमान उठा। मैं बस अभी तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपना सारा ध्यान केस पर लगाना चाहिए। कोर्ट की अगली हियरिंग नजदीक ही है। कोर्ट ने सेकेंड हियरिंग को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि अमित हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे काफी चोटें आई हैं, कृति ने कहा। एपिसोड 383, पुराने राज। अचानक तनुजा हैरान होकर बोली, कहीं अमित ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा ताकि उसे इस केस को जीतने के लिए और वक्त मिल जाए? जितनी लेट कोर्ट की हियरिंग होगी उतने ही उसके इस केस को जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसका लॉयर इस टाइम को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करेगा, कृति ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता ये सब झूठ है, मैंने इस बारे में काफी लोगों से पूछा है। मुझे रिसोर्सेज से ये पता चला है कि उसे सचमुच चोटें आई हैं और वो भी बहुत ज्यादा। उसका चेहरा सूज चुका है और उसकी नाक की हड्डी भी टूट चुकी है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी चोट आई है, पर ना जाने क्यों उसने इन सब के बाद भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है उसने ये सब जानबूझकर किया है, उसने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई होगी, वरना कोई भी ऐसा होने पर पुलिस को तो जरूर फोन करेगा। या तो उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा जिसकी सजा उसे मिली है। अमित अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरूर इस सब में उसकी ही गलती होगी, तनुजा ने कहा। पता नहीं, पर कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ लोग भी भिजवाए थे और अभी अमित इस हालत में नहीं है कि वो कोर्ट में खुद को अपने पैरों पर चलकर ले जा सके। मुझे लगता है उसे ठीक होने में काफी टाइम लग जाएगा। अगली हियरिंग को कम से कम आधा महीना लग जाएगा, कृति ने अफसोस जताते हुए कहा। तनुजा इस बात से खुश नहीं थी, वो उदास हो गई। जितना ज्यादा हम इंतजार करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए इस केस को जीतना मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम इस केस को जीतने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, अरमान ने तनुजा के कंधों पर बड़े ही प्यार से अपने दोनों हाथ रखे और उसे हौसला दिया। अगर अमित नाटक कर रहा है तो इसका मतलब वो इस केस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर वो इस टाइम को हमारे खिलाफ यूज करेगा तो हम भी इस टाइम में उसके खिलाफ और एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तनुजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है अब हमारे पास काफी वक्त है, हमें कुछ टाइम के लिए वापस चलना चाहिए। अगली हियरिंग पर हम वापस आ जाएंगे, कृति ने अरमान और तनुजा को समझाया।
अरमान कृति की बात से सहमत था। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो जानता था कि भले ही वो जितने भी एक्सपेंसिव होटल में रह ले और जितना मर्जी महंगा खाना खा ले, पर फिर भी उन्हें घर जैसा खाना कहीं और नहीं मिल सकता। उसी शाम उन्होंने अपने बैग्स पैक किए और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ ही देर में उनकी कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकी। तनुजा कार से बाहर निकली और जैसे ही वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी तो उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरमान ने कार की डिग्गी में से सामान निकालते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है, तनुजा ने कहा। तभी तनुजा ने नोटिस किया कि एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज उनसे कुछ दूरी पर पार्क थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं तो तुम पर कब से नजर रख रहा हूँ, अरमान मजाकिया अंदाज में बोला। तनुजा मुस्कुराई और जैसे ही वो लगेज बैग्स उठाने के लिए आगे बढ़ी तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ये सब मत उठाओ, इस सब के लिए मैं हूँ ना, तुम बस अपना ख्याल रखो। अरमान ने एक हाथ में सूटकेस पकड़ा और दूसरे हाथ में तनुजा का हाथ। ऐसे ही वो दोनों एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए। कृति अरमान को तनुजा की इतनी फिक्र करता देख मुस्कुराई और फिर वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। मिस्टर गोयल तनुजा की कितनी फिक्र करते हैं, मेरी तो अपने फ्यूचर हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जा रही हैं। अमन साथ खड़ा कृति को बड़बड़ाते हुए सुन पा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुम अरमान सर को जानती नहीं हो, जब तुम उनके साथ कुछ दिन रहोगी ना तो तुम सब कुछ खुद ब खुद जान जाओगी। तनुजा मैम ही है जो अरमान सर को हैंडल कर सकती हैं। यहाँ दूसरी तरफ नीरजा अपनी मर्सिडीज में बैठी चुपचाप तनुजा को अपनी आंखों के सामने से ओझल होते हुए देख रही थी। अचानक उसे अपने सीने में चुभ हंसी हुई। वो बस इतना चाहती थी कि वो अभी के अभी कार से बाहर निकले और भागती हुई तनुजा के पास जाकर कहे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये सबके लिए समझ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा और इससे तनुजा डर भी सकती है। मैम, वैसे इन्हें देखकर लग रहा है कि मिस्टर गोयल तनुजा मैम का काफी ख्याल रखते हैं, नीरजा के असिस्टेंट समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। मानना पड़ेगा तनुजा मैम की पसंद को, मिस्टर गोयल काफी गुड लुकिंग और हैंडसम है। तुम अभी जानते ही क्या हो, नीरजा सख्त मिजाज से बोली। किसी भी आदमी का असली चेहरा पहचानना काफी मुश्किल है। परमिंदर भी शादी से पहले मुझे ऐसे ही ट्रीट करता था, वो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता था, पर आखिर में शादीशुदा होने के बावजूद भी उसे किसी और औरत से प्यार हो ही गया ना। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, वो इन आदमियों के असली चेहरे नहीं पहचान पाती, इसलिए उसे कोई भी बड़ी आसानी से धोखा दे सकता है। अब उस अमित को ही ले लो, उस वक्त जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मैं अनाथ थी। परमिंदर और उसकी फैमिली ने मुझे बहुत हर्ट किया, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई, पर अब तनुजा अकेली नहीं है, मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। पर अभी तक हमें मिस्टर गोयल के बारे में कुछ भी गलत सुनने को नहीं मिला है, समर्थ सोचते हुए बोला। ये जानते हुए भी कि तनुजा मैम के डैड जेल में है, मिस्टर गोयल ने उनका साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो तनुजा मैम की इस केस में मदद भी कर रहे हैं ताकि परमिंदर सर को जेल से बाहर निकाल सकें। पर अरमान परमिंदर को जेल से बाहर क्यों निकालना चाहता है, मुझे उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, नीरजा गुस्से से बोली। परमिंदर एक धोखेबाज आदमी है, उसे बस औरतों को दुख देना आता है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी सारी जिंदगी जेल में ही सड़े, उसे जेल से बाहर कभी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरी तरह दूसरी औरतों को भी हर्ट करेगा। पर नीरजा मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि परमिंदर सर पर गलत इल्जाम लगाया गया हो, समर्थ धीमी और दबी आवाज में बोला। गलत इल्जाम, नीरजा झट से बोली। आखिर लोग उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे, कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि बिना सोचे समझे किसी को भी जेल में डलवा दे, जरूर परमिंदर ने कुछ तो गलत किया होगा। मुझे तो लगता है कि वो कविता के साथ रहकर थक गया होगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और तभी कविता ने अपने बेटे को परमिंदर से बदला लेने को कहा। अगर हमें तनुजा से कुछ साल बड़ा ना होता तो जरूर वो परमिंदर की ही औलाद होता, ये सुनकर समर्थ को भी लगा कि कहीं ना कहीं नीरजा सही कह रही है। अब बस मुझे पुराने अकाउंट्स जितना जल्दी हो सके सेटल करने हैं ताकि मैं जल्द से जल्द जाकर अरमान से मिल सकूं, नीरजा ने कहा। यहाँ दूसरी तरफ अमित पीपल्स हॉस्पिटल में एडमिट था। वो बेड पर जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ था। साहिल अमित से कुछ जरूरी बात कर रहा था, पर जब बहुत देर तक अमित ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया तो साहिल ने इरिटेट होते हुए कहा, अमित क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, मैं ये कह रहा था कि अब जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो तो कोशिश करना यहाँ ज्यादा वक्त तक रुको ताकि कोर्ट की हियरिंग आगे बढ़ जाए और हमें इस केस के लिए थोड़ा वक्त और मिल जाए।
वैसे इस केस को जीतने के हमारे पास कितने चांसेस हैं? अमित ने साहिल की कही बातों पर ध्यान देते हुए पूछा। अभी हमें उस रिकॉर्डिंग से सबसे ज्यादा खतरा है, बाकी सब ठीक है। अगर तुम ये कह दो कि वो रिकॉर्डिंग तुम्हारी नहीं है तो इसके आगे सब मैं संभाल लूंगा। जैसे ही साहिल ने अपनी बात खत्म की तभी अचानक वार्ड का दरवाजा तेजी से खुला और कविता हड़बड़ाती हुई अंदर आकर बोली, अमित तुम ठीक तो हो? तुम्हें बहुत चोटें आई हैं, तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर ये सब किसने किया? अमित ने साहिल को रूम से बाहर जाने का इशारा किया। कविता को अमित की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने अमित के माथे पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ फेरा और फिर वो एक एक करके अमित के घाव की तरफ देखने लगी। अमित के हैंडसम चेहरे पर चोट के निशान थे, उसके होंठ पीले पड़ चुके थे। अमित को इस हालत में देखकर कविता को बहुत दुख हो रहा था। उसका दिल अपने बेटे को इस हालत में देखकर बैठा जा रहा था। कविता की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह अपने मरने तक तुम्हें लेकर परेशान होती रहूं? मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? पहले वो कोर्ट केस और अब तुम्हारा ये हॉस्पिटल में एडमिट होना? मुझे लगता है ये सब उस तनुजा का किया धरा है। मैंने सुना है कि वो अब किसी अमीर आदमी के साथ है। मॉम, आपको मेरी इस हालत के बारे में किसने बताया? अमित कविता के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। अगर हो सकता तो अमित अपनी इंजरी के बारे में कविता को कभी नहीं पता चलने देता। उसकी माँ ने अपनी लाइफ में बहुत से दुख देखे थे। कविता ने अकेले ही अमित को पाला था, इसलिए अमित अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था। कविता एकदम पीछे हुई और बोली, किसी ने मुझे मैसेज करके बताया था कि तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ चली आई। ये सुनते ही अमित के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। क्यों, क्या हुआ? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अमित को इस तरह देख कविता ने कहा, मॉम, मैं तनुजा की माँ नीरजा से मिला था। अमित ने देखा कि कविता के चेहरे के एक्सप्रेशन उसकी बात सुनते ही बदल गए। पर वो तो काफी सालों से गायब थी, कविता हड़बड़ाते हुए बोली। आपको कैसे पता कि वो काफी वक्त से गायब है? अमित ने झट से पूछा। वो परमिंदर जब जेल में था तो एक रिपोर्टर ने ऐसा कहा था। मुझे लगा था कि नीरजा कभी वापस नहीं आएगी, पर चलो अच्छी बात है। क्या वो अपनी बेटी के साथ है? कविता ने कहा। आप सच कह रही हैं? अमित ने कुछ सोचते हुए कहा। मॉम, नीरजा ने मुझे बताया कि आपने उनके परिवार को बर्बाद किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? कविता गुस्से से बोली। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम उस नीरजा की बातों में आ रहे हो? नीरजा अच्छी औरत नहीं है। वो हमेशा नाइट क्लब्स में जाती थी और इधर उधर पार्टी करती थी, न जाने किस किस के साथ घूमती थी। उसे तो अपने बच्चों तक की फिक्र नहीं थी। मॉम, वैसे आप उनके बारे में काफी कुछ जानती हैं। कहीं आप और तनुजा की माँ बचपन में क्लासमेट्स तो नहीं थे? नहीं, हम दोनों क्लासमेट्स नहीं थे, पर हाँ, जब मैं परमिंदर के साथ थी, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तब नीरजा और परमिंदर रिलेशनशिप में थे, जिस वजह से हम अक्सर एक दूसरे से मिल जाया करते थे, कविता झट से बोली। एपिसोड 384, न्यू ओनर। इतना कहकर कविता ने अमित का हाथ पकड़ा और अपना सिर झुकाते हुए बोली, उस औरत के बारे में बात मत करो, उसका और उसके परिवार का नाम सुनते ही मुझे बेचैनी होने लगती है। हम इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हारा ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। ये बताओ, तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में और कितने दिन रुकना होगा? बाकी तुम्हारे साथ ये किया किसने, और तुमने पुलिस को फोन किया या नहीं? मैंने पुलिस को फोन नहीं किया, अमित अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए धीरे से बोला। पर क्यों, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें दिखता नहीं कि उन लोगों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह मारा है? कविता रोते हुए बोली। अमित ये सब सुनकर भी चुप रहा। न जाने क्यों उसे उस वक्त अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा था। इस वक्त वो किसी और ही दुनिया में था। नीरजा ने जो कुछ भी कहा वो मानना उसके लिए काफी मुश्किल था। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ, कविता गुस्से से बोली। अमित ने कविता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कविता बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रुको मॉम, अमित ने अपना हाथ जैसे ही कविता को रोकने के लिए आगे बढ़ाया, उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। ये दर्द इतना ज्यादा था कि अमित दर्द से कराहने लगा। ये सुनते ही कविता झट से मुड़ी और परेशान होते हुए बोली, तुम्हें चोट लगी है, तुम चुपचाप लेटे रहो। अमित को इस तरह दर्द में देख कविता सहम सी गई थी। उसने कभी अमित को इतने दर्द में नहीं देखा था। वो बिलख बिलख कर रोने लगी और बोली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? क्या तुम मुझे उन लोगों के बारे में बताना नहीं चाहते? ये सब मैंने खुद किया है और मैं ये डिजर्व करता हूँ।
अमित झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मॉम प्लीज पुलिस को फोन मत करना, मैं पहले ही कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। कोर्ट का नाम सुनकर कविता का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोली, क्या तुम्हारा इस केस को जीतने का कोई चांस है? मुझे नहीं पता। अमित ने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, पिछले साल मैंने आपके नाम पर फॉरेन में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, अगर मैं ये केस हार गया तो आपको वो प्रॉपर्टीज बेचनी होंगी ताकि उन पैसों से आप अपना गुजारा कर सको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कविता रोते हुए बोली, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम भी जेल चले गए तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कई साल पहले मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम उस परमिंदर के खिलाफ ना जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब देखो। अब इन सब से कुछ नहीं बदलने वाला, अमित ने कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त दुख साफ दिखाई दे रहा था। अमित जानता था कि अगर उसे एक मौका मिलता तो वो बीते वक्त में जाकर अपनी गलतियों को जरूर सुधारता। कविता अपने घुटनों के बल अमित के बेड के पास बैठ गई और अपना सिर झुकाकर रोते हुए बोली, नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है, तुम जेल नहीं जा सकते, वो तुम्हारा लॉयर है ना, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। इतना कहकर कविता झट से खड़ी हुई और साहिल के पास जाने लगी। मॉम रुकिए, अमित रोते हुए बोला। इस बार वो कविता को रोक नहीं पाया। अमित ने बेड से उठना चाहा पर उसके घाव की वजह से वो वापस लेट गया। कुछ देर वो यूं ही उस वार्ड की छत की तरफ देखता रहा, फिर अमित ने हिम्मत करके अपना फोन टेबल से उठाया और एक नंबर डायल किया। मेरी माँ और परमिंदर के बारे में पता करो, परमिंदर के स्टूडेंट से पता करने की कोशिश करो कि मेरी माँ और उस आदमी के बीच कैसा रिश्ता था। ये सब तो हम पहले ही पता कर चुके हैं, वो आदमी जो कि फोन के दूसरी तरफ था थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला। मुझे सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर अमित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर वो विंडो से बाहर देखते हुए सोचने लगा, काश जो कुछ भी नीरजा ने कहा वो सब झूठ हो। अमित सोच रहा था कि इतने सालों से उसे जो कुछ भी पता था अगर वो झूठ हुआ तो। अचानक वो हड़बड़ाकर अपने सपनों से बाहर आया। वो गुस्से से अपना सिर ना में हिलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये सब झूठ हुआ तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। यहाँ दूसरी तरफ तनुजा अब वापस घर पहुंच चुकी थी, लेकिन शिवानी आजकल काम में बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए वो अपार्टमेंट में नहीं रह रही थी। तनुजा ने फैसला किया कि वो अरमान के विला में ही रहेगी। अरमान सुबह सुबह कंपनी के लिए निकल गया था क्योंकि काफी दिनों से वो इस केस में इतना बिजी था कि उसके पास ऑफिस का बहुत काम पेंडिंग था। उसे कंपनी पहुंचकर सारा काम खत्म करना था। अरमान ने सुबह जाते ही स्टाफ मीटिंग अटेंड की। इसके बाद वो अपने केबिन में चला गया जहां एक के बाद एक सीनियर मैनेजर उसके केबिन में प्रोजेक्ट से रिलेटेड मीटिंग्स करने के लिए आते रहे। दोपहर को जिमी अरमान से मिलने वहां आया। हम दोनों ने काफी टाइम एक साथ लंच नहीं किया है, मुझे लगता है आज सही मौका है, जिमी ने कहा। मैं जानता हूँ, मैं जब से तनुजा के साथ दोबारा रिलेशन में आया हूँ हम दोनों ने साथ में टाइम नहीं बिताया है। मैं डैड के केस को लेकर इतना बिजी था कि तुमसे बात ही नहीं हो पाई। अरमान जिमी को देखकर काफी खुश था। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अरमान जिमी को छेड़ते हुए बोला। किसी ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें याद कर रहा था? मैं तो बस तुम्हारे साथ लंच करने आया हूँ, जिमी ने चिढ़ते हुए कहा। वैसे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जिमी ने आगे कहा। ठीक है, अरमान ने अपनी फाइल बंद की और चेयर से उठकर बोला, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। इतना कहकर अरमान लंबे लंबे कदम लेते हुए आगे बढ़ गया। जिमी भी उसके साथ चल दिया। वो दोनों एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहाँ ज्यादा वो नहीं जाया करते थे। जैसे ही शेफ ने उन दोनों को वहाँ आते देखा तो वो उनके लिए मेन्यू की सबसे बेस्ट डिशेस तैयार करने लगा। अरमान और जिमी वहीं टेबल पर आकर बैठ गए। जिमी ने कप में कॉफी डालते हुए कहा, पेटल्स एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस किया है कि अब अमित उस कंपनी का ओनर नहीं है। अरमान परेशान था, उसके लिए ये शॉकिंग नहीं था, ये बात वो पहले से ही जानता था। हाँ, जल्द ही पेटल्स एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम बदल दिया जाएगा, जिमी कप टेबल पर रखते हुए बोला। जब से तुमने मुझसे अमित की कंपनी पर नजर रखने को कहा था तब से मुझे कुछ बातें पता लगी हैं। मुझे ये सुनने में आया है कि पेटल्स एंटरटेनमेंट कंपनी को किसी क्रिस्टीना नाम की औरत ने खरीदा है जो कि अमेरिका से है। क्रिस्टीना? अरमान ने कॉफी पीते हुए कहा। हाँ, ये एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, जिमी आगे बोला। ये कंपनी ऊंचाइयों को छू रही है। इस कंपनी में 20,000 एम्प्लॉयज हैं
पर इस साल कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही, इसलिए उन्होंने ये कंपनी खरीदी है। कोई बात नहीं, वो फिर भी हमारी कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अरमान ने हंसते हुए कहा। जिमी इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था, उसने सीरियस होते हुए कहा, अरमान प्लीज बात को समझो, क्रिस्टीना की कंपनी हमारी कंपनी से काफी स्ट्रांग है। अरे ये सब छोड़ो, अब जब उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है तो उन्होंने इसका नाम पेटल्स एंटरटेनमेंट कंपनी से बदलकर राइज एंड शाइन वेंचर रख दिया है, जिमी ने कहा। ये नाम अरमान को कुछ पसंद नहीं आया, वो क्रिस्टीना की कंपनी और उसके एम्प्लॉयज से नाखुश था। ये कैसा नाम है, अरमान ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे लगता है काफी अच्छा नाम है, जिमी ने झट से कहा। वैसे भी अब फिल्म कंपनी का पेटल एंटरटेनमेंट ग्रुप से कोई लेना देना है नहीं, मुझे लगता है अब हमें रेडियो स्टेशंस को भी कह देना चाहिए कि वो अब अमित की कंपनी को और बदनाम ना करें, क्योंकि अब वो कंपनी हमारी दुश्मन है नहीं, हमें आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपना दोस्त बनाना होगा। वैसे भी अब ये कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, इनके पास फाइनेंशियल पावर है, जिस वजह से हम भी इनके साथ हाथ मिलाकर अपना फायदा कर सकते हैं। ये कंपनी नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। अरमान जिमी की बातों से ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, वो लंच करने लगा और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पर उन्होंने इस कंपनी को खरीद कर गलती की है, मैं इस कंपनी को तनुजा को गिफ्ट करना चाहता था। जिमी समझ चुका था कि अरमान के दिमाग में उसकी कही एक भी बात नहीं घुसी है, वो जानता था कि अरमान कितना जिद्दी है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। तनुजा यहाँ अरमान के विला में अपनी छुट्टियां गुजार रही थी, वो सारा दिन फ्री ही रहा करती थी, जिस वजह से वो बोर हो गई थी, इसलिए वो अरमान का बर्थडे सरप्राइज प्लान करने लगी। वैसे भी अरमान इस बार 30 साल का होने वाला था, तनुजा चाहती थी कि वो अरमान को कुछ स्पेशल गिफ्ट करे। तनुजा अकेले शॉपिंग नहीं जाना चाहती थी और अब उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए उसने शिवानी को फोन करके कहा, शिवानी जब तुम वापस आओगी तो सबसे पहले मुझसे मिलना, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना है। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हो, शिवानी मुस्कुराते हुए आगे बोली। वैसे भी मैं अभी फेमस तो हुई नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने थोड़ा फेम तो कमाया ही है, अगर हम दोनों बाहर साथ में निकले तो तुम भी मीडिया की नजरों में आ जाओगी। कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ी लाइमलाइट लेने दो, तनुजा मजाकिया अंदाज में बोली। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, हम दोनों ने एक दूसरे को काफी वक्त से नहीं देखा है। कोई बात नहीं, मैं कल वापस आ रही हूँ, हम कहीं बाहर चलेंगे, शिवानी ने कहा। ठीक है, तनुजा ने खुश होकर कहा और फिर फोन रख दिया। वो जैसे ही फोन रख के पीछे मुड़ी तो उसका सिर अरमान के सीने से जा टकराया। एपिसोड 385, पहली मुलाकात। तनुजा ने अपना सिर उठाकर अरमान के चेहरे की तरफ देखा। अरमान की नजरें तनुजा पर ही टिकी हुई थीं। अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम किसे मिस कर रही थी? वो तो मैं शिवानी से बात कर रही थी, तनुजा ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम मुझ पर नजर रख रहे थे, तुमने घर आने से पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम और शिवानी एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, अरमान चिढ़ते हुए बोला। मैंने सुना तुम कह रही थी कि तुम्हें उसकी याद आ रही है, तुमने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम तो मेरे ही हो, फिर मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी, तनुजा मुस्कुराते हुए अरमान से बोली और जाकर सोफे पर बैठ गई। अचानक उनका डॉग अपनी पूंछ हिलाते हुए तनुजा के पीछे पीछे चल दिया। तनुजा ने पेडिग्री का पैकेट खोला और अपने पेट डॉग को खिलाने लगी। ये देखकर अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोच रही थी कि तनुजा उस डॉग से कितना प्यार करती है, फिर जब उनका बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तब वो उसका कितना ख्याल रखेगी। ये सब सोचते हुए अरमान ने तनुजा को अपनी बाहों में भर लिया और वो उससे बड़े ही प्यार से बोला, फिर से कहो कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तनुजा हंसते हुए बोली, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। इतना कहकर तनुजा ने अरमान को किस किया और फिर वो डॉग को पेडिग्री खिलाने में बिजी हो गई। तभी अरमान तनुजा से बोला, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस वक्त डॉग्स के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर अरमान ने डॉग को रूम से बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो डॉग रूम में वापस आने के लिए दरवाजे पर अपने पंजे मारने लगा। ये देखकर तनुजा का दिल पिघल गया। अरमान ने कहा, इसके खेलने के लिए बाहर बड़ा सा प्लेग्राउंड है, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर अरमान ने तनुजा को बेड पर बिठा दिया और उसके चेहरे पर बड़े ही प्यार से किस करने लगा। तनुजा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, अरमान बस करो, अमन और शीना दोनों ही घर पर हैं, अगर उन्होंने हमें ऐसे देखा तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। ठीक है, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा।
इतना कहकर अरमान ने तनुजा को अपनी बाहों में भर लिया। तनुजा अरमान के गले लगते हुए बोली, कुछ महीनों में मेरा बेबी बंप नजर आने लगेगा। मैंने सुना है प्रेगनेंसी के बाद बॉडी पहले जैसी नहीं रहती, हो सकता है मेरे टमी पर निशान पड़ जाए। मैंने बुक्स में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के बाद हमारी बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। अगर मेरे टमी पर निशान पड़ गए और मेरे बाल झड़ने लगे तो क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करोगे? तनुजा उदास होते हुए बोली। उसके चेहरे पर इस वक्त चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अभी तनुजा यंग थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बॉडी के साथ ऐसा कुछ भी हो। अरमान ये सुनकर खुश था कि तनुजा को उसकी फीलिंग्स की इतनी फिक्र है। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, तनुजा मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे डर है कि प्रेगनेंसी के बाद मेरा प्यार उसके लिए कम ना हो जाए। तनुजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। अरमान ने अपना सिर झुकाया और तनुजा की नाक से नाक लगाते हुए बोला। अरमान की बात सुनकर तनुजा खुश हो गई। वो लकी फील कर रही थी कि उसे अरमान जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। वैसे आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तनुजा ने पूछा। मैं काम करके बोर हो गया था। ऐसा कौन सा काम है जिससे तुम बोर नहीं होते? तनुजा अरमान को छेड़ते हुए बोली। मैं बिना बोर हुए अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ, अरमान तनुजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला। तनुजा जानती थी कि अरमान जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तनुजा ने बड़े कसकर अरमान की बाजू पर चोटी काटी, पर फिर भी अरमान हंसते हुए बोला, दोबारा करो, तुम्हारा यूं परेशान करना बहुत पसंद आता है मुझे। अगले दिन शाम करीब 5 बजे शिवानी अपना सूटकेस कार से बाहर निकाल रही थी। इतने लंबे सफर के बाद शिवानी काफी थकी हुई थी। शिवानी मैं आपका सामान आपके रूम तक ले चलता हूँ, रमन ने कहा। रमन शिवानी का नया असिस्टेंट था जिसे कंपनी ने शिवानी के लिए अपॉइंट किया था। कोई बात नहीं, सामान ज्यादा भारी नहीं है, मैं इसे खुद उठा लूंगी। वैसे भी तुम इतने दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो, जाओ घर जाकर थोड़ा आराम करो, शिवानी मुस्कुराते हुए बोली। और फिर वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। उसने अपने रूम तक जाने के लिए लिफ्ट ली। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली तो उसे ड्रिल मशीन की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। रूम के अंदर कुछ वर्कर्स इधर उधर घूम रहे थे। उस अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। शिवानी ने अपने पड़ोसियों से कभी ज्यादा बात नहीं की थी और वो कई बार उनसे मिली जरूर थी। शिवानी के पड़ोसी कई सालों से वहां रह रहे थे। इस बार वो रूम की रेनोवेशन करा रहे थे, शायद वो लोग इस घर को बेचकर कहीं बाहर जा रहे हों। शिवानी मन ही मन ये सब सोच रही थी। वो अपने अपार्टमेंट का लॉक खोलते हुए हिचकिचा रही थी। वो कई दिनों से वहां नहीं आई थी और इस बार तनुजा भी उसके साथ नहीं थी। ये अपार्टमेंट बहुत खाली खाली सा लग रहा था। शिवानी कई घंटे प्लेन में सफर करके थक चुकी थी। उसने अपना सामान अनपैक तक नहीं किया और वो सीधा जाकर बेड पर लेट गई। वो इतनी गहरी नींद में सोई कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद अचानक तनुजा के फोन से उसकी नींद खुली। क्या तुम वापस आ गई हो? तनुजा ने पूछा। हाँ, शिवानी ने जवाब दिया। अच्छा तो तुम सो रही थी? तनुजा शिवानी की आवाज से पहचान गई कि वो अभी तक सो रही है। तो मैंने लगता इस वक्त तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए था। डिनर का नाम सुनकर मुझे भूख लगने लगी, शिवानी झट से बोली, पर उसका खुद खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। फ्रिज में पहले से ही कुछ सब्जियां कटी हुई रखी हैं जिससे तुम जल्दी से खाना बना सकती हो, तनुजा ने कहा। अरमान को मेरी बहुत फिक्र रहती है, इस वक्त वो मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देगा, नहीं तो मैं डिनर तुम्हारे साथ ही करती। कोई बात नहीं, तुम अरमान के साथ ही रहो, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, शिवानी मजाकिया अंदाज में बोली। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, तनुजा ने चिंता जताते हुए कहा। तनुजा को शिवानी की बहुत चिंता हो रही थी और इस वक्त शिवानी अपने अपार्टमेंट में अकेली भी थी। जब से शिवानी का ब्रेकअप हुआ था, शिवानी सारा वक्त अपने काम को देने लगी थी। शिवानी पहले से काफी बदल चुकी थी। इस वक्त उसकी फैमिली भी उसके आसपास नहीं थी, जिस वजह से तनुजा को उसकी फिक्र हो रही थी। शिवानी ने अपना सिर पिलो पर रखा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो आरव का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे अपने दिल में चुभनसी महसूस हुई। शिवानी ने बहुत कोशिश की कि वो आरव के बारे में सोचना बंद कर दे और एक लंबी नींद में खो जाए, पर साथ वाले रूम से काफी शोर आ रहा था। वो उठी और उसने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। ये लोग पागल तो नहीं हो गए, इस वक्त भी इतना शोर कर रहे हैं?
शिवानी अपनी आंखें मलती हुई बेड से उठी और किचन में जाकर अपने लिए कॉफी और फ्राइड राइस बनाने लगी। इस बीच दूसरे अपार्टमेंट से आता हुआ शोर और भी तेज हो गया। अब शिवानी का सब्र का बांध टूट चुका था। वो गुस्से से अपने रूम से बाहर निकली और अपने पड़ोसियों के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था जिसने सफेद रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। शिवानी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उस लड़के के फीचर्स बहुत शार्प थे। उसकी आंखें किसी टिमटिमाते तारे की तरह चमक रही थीं। उसकी लंबी सी नाक और छोटे छोटे होंठ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसके चेहरे पर पड़ती हुई रोशनी उसे और भी हैंडसम बना रही थी। शिवानी की नजरें तो मानो उस पर जम सी गई थीं। इतना हैंडसम लड़का यहाँ क्या कर रहा है? शिवानी को हमेशा से लगता था कि आरव बहुत हैंडसम है, पर उस लड़के का चेहरा और फीचर्स इतने परफेक्ट थे, शिवानी को उसमें कोई कमी नहीं दिखी। उस लड़के का ऑरा ही अलग था। उसमें कुछ तो बात जरूर थी। वो किसी अच्छी फैमिली से लग रहा था। शिवानी को उसका चेहरा काफी जाना पहचाना सा लगा। उसके फीचर्स तनुजा से मेल खा रहे थे। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तनुजा का भाई सिद्धार्थ था। शिवानी बिना कुछ बोले वहां चुपचाप खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। तभी सिद्धार्थ बोला, यस हाउ कैन आई हेल्प यू? तभी अचानक शिवानी की नजरें एक बड़े से होल पर पड़ी। अपने अपार्टमेंट की दीवार में होल देखकर वो हैरान रह गई। शिवानी गुस्से से बोली, तुम किसी और की प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने ये सारी जगह खरीद ली है, सिद्धार्थ धीरे से बोला। उसके बालों का रंग गहरा काला था और उसके चेहरे की बनावट भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी थीं। सिद्धार्थ फोन पर किसी से बात करते हुए बोला। वो इस वक्त तनुजा को ढूंढ रहा था कि तभी उसे याद आया कि तनुजा किसी लड़की के साथ यहाँ रहती थी। क्या तुम अपार्टमेंट नंबर 818 में रहती हो? सिद्धार्थ ने शिवानी से पूछा। शिवानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, जो लोग इस अपार्टमेंट में रहते थे क्या वो यहाँ से चले गए हैं? हाँ, ये जगह यूनिवर्सिटी से नजदीक है और यहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी है, पर यहाँ के रूम्स बहुत छोटे हैं जिस वजह से मैंने साथ वाला रूम भी खरीद लिया, सिद्धार्थ ने कहा। एपिसोड 386, फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट। शिवानी सिद्धार्थ को देखकर दंग रह गई थी। वो सिद्धार्थ को देखते ही ये समझ गई थी कि सिद्धार्थ किसी अमीर बाप की औलाद है। वो इस बात से भी बहुत इम्प्रेस थी कि सिद्धार्थ ने एक रो में दो फ्लैट खरीद लिए थे। वैसे भी ये एरिया वीआईपी एरिया था और यहाँ पर फ्लैट खरीदना कोई आम बात नहीं थी। ये सब देखते हुए शिवानी मन ही मन बड़बड़ाई। आजकल कुछ लोग कुछ ज्यादा ही लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम यहाँ नए हो? शिवानी ने पूछा। सिद्धार्थ जैसा हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का अच्छी खासी लड़कियों को दीवाना कर सकता था। शिवानी ये सोच रही थी कि अगर सिद्धार्थ ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो दिलप्रीत को भी फेल कर देगा। वो कॉलेज में दिलप्रीत से भी ज्यादा पॉपुलर होगा। वैसे क्या तुम थिएटर पढ़ रहे हो? सिद्धार्थ को अजनबी लड़कियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शिवानी तनुजा की दोस्त थी इसलिए उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे यहाँ के लोगों से बहुत अलग क्यों दिख रहे थे। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा बात करने का अंदाज बहुत अलग है। वैसे क्या तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? सिद्धार्थ ने ऐसे बिहेव किया जैसे मानो उसे कुछ पता ही ना हो। शिवानी ने सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वैसे तुम अपना फ्लैट डेकोरेट कर रहे हो वो तो ठीक है, पर अब रात काफी ज्यादा हो गई है। ये सब आवाजें तुम्हारे पड़ोसियों को परेशान कर सकती हैं। ये काम मुझे जल्द से जल्द खत्म करना है ताकि मैं यहाँ रहने आ सकूं। सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए बोलने लगा। तुम इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकते। मुझे टीवी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ से इतना शोर जो आ रहा है। शिवानी बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। शिवानी बहुत दिनों के बाद अपने अपार्टमेंट में लौटी थी इसलिए वो अच्छे से आराम करना चाहती थी क्योंकि इतने दिनों से वो बहुत बिजी थी। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसका एक एक फीचर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा मन मोह लेने वाला था। शिवानी को अब सिद्धार्थ का मायूस चेहरा देखकर लगने लगा कि उन दोनों का झगड़ा हो जाएगा। तभी अचानक सिद्धार्थ ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर वो बोला, ठीक है मैं ये काम बंद करवा देता हूँ, थैंक यू। शिवानी ने राहत की सांस ली। उसे लगने लगा कि कोई तो अमीर बाप की औलाद है जो अपने पैसे का घमंड नहीं दिखाती, क्योंकि सिद्धार्थ उसके एक बार कहने पर मान गया।
इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक गई और पीछे मुड़कर एक बहुत ही मीठी सी आवाज में बोली, क्या कल तुम सुबह 10 बजे के बाद काम शुरू करवा सकते हो? मैं वेकेशंस पर सुबह देर तक सोती हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा? सिद्धार्थ ने शिवानी को देखते हुए कहा। शिवानी ये सुनकर थोड़ी मायूस हो गई और वापस अपने अपार्टमेंट में चली गई। सिद्धार्थ ने काम बंद करवा दिया था। शिवानी ने अपने लिए खाना बनाने रखा। उसका अकेले खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। कुछ देर खाने के बाद उसका पेट भर गया। वो यही सोच रही थी कि वो बचे हुए खाने का क्या करे। वो खाने को वेस्ट नहीं करना चाहती थी कि तभी अचानक उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। डोरबेल की आवाज सुनते ही शिवानी पीप होल से बाहर देखने लगी। सिद्धार्थ दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुलते ही उसने कहा, क्या तुम्हारे पास सिजर्स मिलेंगी? बिल्कुल। शिवानी ने कुछ सोचने के बाद अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तुम एक मिनट रुको, मैं अभी लाई। इतना कहकर वो जाकर ड्रॉअर में सिजर्स ढूंढने लगी। अब सिद्धार्थ बाहर खड़ा शिवानी के अपार्टमेंट को देख रहा था। ये बहुत छोटा था पर साथ ही साथ काफी साफ सुथरा। सोफे पर बहुत ही खूबसूरत कुशन्स लगाए गए थे। इस फ्लैट में किसी चीज की कमी नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना रखा था जो कि सिद्धार्थ को दरवाजे से साफ साफ नजर आ रहा था। वो ये तो जान चुका था कि उसकी बहन अभी यहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि करण ने उसे सब कुछ बता दिया था कि तनुजा अरमान के साथ रहती है। तनुजा से शादी करे बिना ही अरमान तनुजा के साथ रह रहा था। अरमान 30 साल का था और तनुजा उससे बहुत ही यंग थी, लेकिन फिर भी तनुजा उसके साथ रह रही थी। सिद्धार्थ के मन में यही चल रहा था कि आखिर तनुजा कैसे अरमान पर इतना भरोसा कर सकती है। पहले तो अमित ने उसकी फैमिली बिजनेस को उससे छीन लिया और अब वो अरमान के साथ रह रही है। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। ये लो, शिवानी अचानक से दरवाजे पर आकर बोली। फिर उसने देखा कि सिद्धार्थ की नजर डाइनिंग टेबल पर रखे खाने पर है। सामने रखे खाने को देखकर सिद्धार्थ के मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि शिवानी को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस फिर से पहले जैसे हो गए। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं यहाँ खाना खा सकता हूँ? सिद्धार्थ शिवानी का जवाब सुने बिना ही उसके अपार्टमेंट के अंदर जाने लगा। शिवानी हैरान थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैसे भी वो इतना खाना अकेले खत्म नहीं कर सकती थी। वो ये भी जानती थी कि जब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा तो वो दोनों क्लासमेट्स ही होंगे, तो ऐसे में उन दोनों को दोस्त तो बनना ही पड़ेगा। बिना कुछ सोचे शिवानी सिद्धार्थ से बोली, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करती हूँ। शिवानी इसके बाद जाकर किचन से थोड़ा और खाना ले आई। शिवानी ने राइस का बोल सिद्धार्थ के आगे रख दिया। सिद्धार्थ ने एक बार बोल की तरफ देखा और फिर शिवानी की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें शिवानी पर ही टिकी हुई थीं। फिर वो अचानक से बोला, वैसे तुम्हें ऐसे अजनबी लोगों को अपने अपार्टमेंट में नहीं आने देना चाहिए, और खासकर जब तुम घर पर अकेली हो। आजकल माहौल बहुत खराब है। सिद्धार्थ ये सब शिवानी को इसलिए समझा रहा था क्योंकि वो जानता था कि तनुजा भी उसके साथ ही रहती है और उसे तनुजा की बहुत फिक्र थी। इसके बाद शिवानी सोच में पड़ गई कि उसने सिद्धार्थ को अपने अपार्टमेंट में बुलाकर ठीक किया या नहीं। अभी शिवानी की नजरें सिद्धार्थ पर ही टिकी हुई थीं। वैसे ये बात वो भी जानती थी कि सिद्धार्थ कम हैंडसम नहीं है। ऐसा ही है तो तुम मेरे अपार्टमेंट में क्यों आए? मैं भी तो तुम्हारे लिए अजनबी हूं ना, शिवानी ने एक शांत सी आवाज में पूछा। इसके बाद शिवानी मन ही मन बड़बड़ाई, मुझे तो बहुत ज्ञान दे रहे हो और खुद भी तुमने यही किया। सिद्धार्थ अचानक से राइस खाना शुरू कर देता है और वो बोला, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। शिवानी ये सुनने के बाद आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस अपनी गर्दन हिला दी। फिर वो चुपचाप सिद्धार्थ के सामने बैठी रही। अब उसकी भूख खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सिद्धार्थ को कंपनी दे रही थी। 2-3 बाइट खाने के बाद उसको और कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए उसने अपना बोल साइड पर रख दिया। जहाँ शिवानी छोटा सा बोल भी खत्म नहीं कर पाई थी, वहाँ सामने बैठा सिद्धार्थ पूरा एक बोल राइस खा चुका था। शिवानी उसे ऐसे देखकर हैरान थी। वो सिद्धार्थ की लंबी और घनी पलकें चपकती हुई देख रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी जिसकी वजह से वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो देखने में थोड़ा थोड़ा तनुजा की तरह दिख रहा था। उसके नैन नक्श तनुजा की तरह थे, और तो और जिस तरह वो खा रहा था और उसकी भूख भी बिल्कुल तनुजा की तरह थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने राइस का बोल खत्म किया तो उसने शिवानी की तरफ देखा और कहा, क्या थोड़ा और खाना मिलेगा? नहीं, इतना ही था, शिवानी ने जवाब दिया।
इसके बाद सिद्धार्थ शिवानी के बोल की तरफ देखता हुआ बोला, क्या मैं वो राइस खा सकता हूँ? शिवानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपना बोल भी सिद्धार्थ को पकड़ा दिया। सिद्धार्थ ने शिवानी का बोल भी खत्म कर दिया। फिर वो शिवानी से बोला, वैसे मेरा पेट अभी भी खाली है, मुझे बाहर से ही कुछ और खाना पड़ेगा। शिवानी ये सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। वैसे तुम बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह हो, उसे भी तुम्हारी तरह ही बहुत भूख लगती है। अच्छा सच्ची? सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। उसकी आंखों में चमक नजर आने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने तो बस उतना ही खाना खाया है जितना वो हमेशा खाया करता था, पर वो जानता था कि तनुजा और उसकी भूख ज्यादा है। अचानक से वो शिवानी से बोला, तो क्या तुम्हारी रूममेट वापस नहीं आई है? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई है, शिवानी ने डाइनिंग टेबल पर रखे बोल वहां से हटाते हुए कहा। शिवानी अपने काम में लगी हुई थी कि सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, आजकल की यंग लड़कियां अपने अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं जानती। ये सुनकर शिवानी थोड़ा हैरान रह गई। वैसे तुम हमसे काफी यंग लगते हो, तुम्हें तो हमें अपनी बहन कहकर बुलाना चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड, सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। शिवानी सिद्धार्थ की बात सुनकर आगे कुछ नहीं कह पाई। ठीक है, वैसे तो तुम मुझसे सिजर्स लेने आए थे ना, लेकिन तुमने मुफ्त में खाना भी खा लिया। शिवानी ने इतना कहकर सिद्धार्थ को सिजर्स पकड़ाई। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में वापस कर जाता हूँ। सिद्धार्थ इतना कहकर वो सिजर्स लेकर वहां से चला गया। इसके बाद शिवानी ने डाइनिंग टेबल साफ किया और बर्तन धो दिए। जब वो बाहर आई तो सिद्धार्थ सिजर्स लौटाने वापस आया था। उसने सिजर्स लौटाते हुए कहा, थैंक यू। एपिसोड 387, आर्ग्यूमेंट। वैसे मुझे लगता है कि तुम लड़कियों को बिना लड़कों से पूछे उनके रूम में नहीं आना चाहिए, सिद्धार्थ सीरियस होते हुए बोला। शिवानी ने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिद्धार्थ को अपने हाथों से पीछे की तरफ धक्का दिया और गुस्से में अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह शिवानी की नींद साथ वाले अपार्टमेंट से आ रहे शोर की वजह से खुल गई। उसने अपने दोनों कान पिलो से ढक लिए, पर फिर भी शोर कम नहीं हुआ। ज्यादा शोर की वजह से शिवानी सो नहीं पाई तो वो उठी और फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवानी ने तनुजा को फोन किया ताकि वो दोनों सुबह जल्दी मिल सकें। यहाँ दूसरी तरफ अरमान ने फोन उठाया और कहा, तनुजा इस वक्त सो रही है, प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो। आई एम सॉरी, शिवानी अरमान की आवाज सुनकर थोड़ी सहम सी गई। उसने आगे कहा, अब जब तनुजा उठ जाएगी तो क्या तुम उसे मुझे फोन करने के लिए कह दोगे? नहीं, इतना कहकर अरमान ने फोन रख दिया। अरमान का बिहेवियर शिवानी को बहुत रूड लगा। शिवानी की आंखें नम हो गईं। अब उसे रोना आ रहा था। आखिर इन लड़कों को हुआ क्या है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, शिवानी मन ही मन सोचने लगी। पर शिवानी के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। करीब 10 बजे उसे तनुजा का फोन आया। सॉरी शिवानी, मैं अभी उठी हूँ, कुछ दिनों से मुझे बहुत नींद आने लगी है। कोई बात नहीं, क्या तुम आज मुझसे मिलने आ सकती हो? शिवानी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। ठीक है। इसके कुछ देर बाद शिवानी तैयार होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली कि तभी उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। सिद्धार्थ भी अपने अपार्टमेंट से बाहर जा रहा था। उसने ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसने अपनी टी शर्ट को टक किया हुआ था जिस वजह से वो बहुत लंबा दिख रहा था। वो सच में बहुत हैंडसम था। शिवानी जो कि थोड़ी देर पहले इतने गुस्से में थी, सिद्धार्थ को देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। गुड मॉर्निंग, सिद्धार्थ ने कहा। शिवानी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैंने तुम्हें अपने साथ रात डिनर करवाया था, क्या तुम थोड़ी देर बाद कंस्ट्रक्शन का काम नहीं शुरू करवा सकते थे? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। नहीं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। शिवानी बिना कुछ बोले गुस्से में लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने अपने हाथ से लिफ्ट का दरवाजा रोका और वो लिफ्ट के अंदर आ गया। सिद्धार्थ को देखकर शिवानी उससे थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने शिवानी की तरफ देखा पर वो कुछ बोला नहीं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सबसे पहले सिद्धार्थ बाहर आया। शिवानी उसके पीछे चल रही थी। वो दोनों एक साथ बिल्डिंग के गेट तक जाने लगे। सिद्धार्थ ने अपनी कार का दरवाजा खोला और वो कार में बैठ गया।
शिवानी ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर वो मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से सिद्धार्थ की कार आकर उसके पास रुकी। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कल रात तुमने मुझे डिनर करवाया था, उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर तुम्हें सच में मेरी मदद करनी है ना, तो प्लीज अपने अपार्टमेंट का काम थोड़ा लेट शुरू करवाया कर। आया है, वो अपने अपार्टमेंट को रेनोवेट करा रहा है, तनुजा ने हैरान होते हुए कहा। अच्छा, ऐसी बात है, मुझे अपने अपार्टमेंट में आए बहुत वक्त। उसने एक साथ दो अपार्टमेंट खरीदे हैं और उन दोनों को एक अपार्टमेंट में कन्वर्ट करा रहा है। और हाँ, तुम्हें पता है, उसने हमारी यूनिवर्सिटी में फिल्म प्रोडक्शन कोर्स में एडमिशन लिया है। वो फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट है। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो बहुत टैलेंटेड और हैंडसम होगा, तनुजा मुस्कुराते हुए बोली। ये सब तो मुझे नहीं पता, पर वो अकड़ू जरूर है। वो बिना मेरी परमिशन के हमारे अपार्टमेंट में आ गया था। उसे भूख लगी थी तो उसने मेरे साथ डिनर भी किया। डिनर करने के बाद उसने मुझे सलाह दी कि मैं किसी भी अजनबी को इस तरह अपने अपार्टमेंट में ना आने दूं। मुझे लगा था कि मैंने उसे डिनर करवाया है तो वो मेरी बात मानकर सुबह कंस्ट्रक्शन का काम लेट शुरू करवाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं खुद को क्या समझता है वो। अभी कुछ वक्त के लिए तुम अपार्टमेंट मत आना, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो और वहाँ काफी शोर शराबा है, शिवानी तनुजा की फिक्र करते हुए बोली। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब दिलप्रीत कॉलेज में पॉपुलर रहेगा। अच्छा, तनुजा ने हैरान होकर कहा, तो क्या हमारा पड़ोसी दिलप्रीत से भी हैंडसम है? हाँ, वो बहुत हैंडसम है, और तुम्हें पता है, उसके फीचर्स तुमसे बहुत मिलते हैं। वो खाना भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खाता है, मैं तो भूख देखकर हैरान हूँ उसकी, शिवानी तनुजा को छेड़ते हुए बोली। मुझे इस तरह छेड़ना बंद करो,
अब मेरी डाइट पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं जब भी खाना खाती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग होने लगती है, जिसके बाद मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। पर तुम्हें तो 3 मंथ्स हो गए हैं ना, हो सकता है मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ, तनुजा ने कहा। तनुजा और शिवानी मॉल में घूम रहे थे कि तभी शिवानी अचानक से बोली, तुम्हें अरमान के बर्थडे के लिए गिफ्ट प्लान करना था ना, तो बताओ क्या सोचा है तुमने? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अरमान को क्या गिफ्ट दूं, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तनुजा ने आसपास एक नजर घुमाते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि तुम उसके लिए न्यू शूज या कपड़े खरीद लो। वैसे तुम अरमान को वॉच भी गिफ्ट कर सकती हो, पर मुझे लगता है वॉच काफी महंगी होगी। ऐसे भी अरमान को सस्ती चीजें कहाँ पसंद आती हैं? शिवानी कुछ देर सोचने लगी और वो झट से बोली, कैसा रहेगा अगर तुम खुद को उसे गिफ्ट कर दो? सच में अरमान बहुत खुश हो जाएगा। ये सुनकर तनुजा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तो पहले से ही अरमान की हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर रेडी होकर खुद को एक गिफ्ट की तरह अरमान के सामने प्रेजेंट करो। शिवानी एक्साइटेड होते हुए आगे बोली, तुम खुद को एक बड़े से बॉक्स में छुपा लेना। जब अरमान फ्री होकर शाम को घर आएगा और अपने सामने रखा बड़ा सा बॉक्स खोलेगा तो उसमें तुम्हें देखकर वो हैरान जरूर रह जाएगा। एपिसोड 388 हमला। तनुजा को शिवानी की बातें बहुत प्यारी लग रही थीं। तनुजा मन ही मन सोच रही थी कि शिवानी बहुत मासूम है। अगर उसके दिमाग में ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज कहां से आ रहे हैं? शिवानी अपनी इमेजिनेशन में तनुजा और अरमान को एक साथ देख रही थी। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया था। तुम देखना, अरमान को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। ये गिफ्ट देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तनुजा का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल पड़ गया था। उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे लगता है तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा। तनुजा ने शिवानी के कंधे पर हाथ रखा और उसे छेड़ते हुए कहा, तुम मुझसे इसी तरह रोमांटिक आइडियाज लेती रहना, फिर देखना तुम और अरमान दोनों की लाइफ बहुत सेट हो जाएगी। शिवानी शर्माई और आगे बोली, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नए नए आइडियाज सोच रही हूँ और तुम मुझे ये सब कहकर छेड़ रही हो। तुम्हें पता है ना मेरा ब्रेकअप हुआ, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब तनुजा को लगने लगा कि इस वक्त शिवानी के साथ ये सब बात करना ठीक नहीं होगा। वो नहीं चाहती थी कि शिवानी को पुरानी बातें याद आएं, इसलिए उसने झट से अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया वैसे है तो बहुत अच्छा, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे लिए खुद को इतने बड़े बॉक्स में ज्यादा देर रख पाना बहुत मुश्किल होगा। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, शिवानी ने कहा। तनुजा मुस्कुराई और बोली, वैसे मानना पड़ेगा मुझे तुम्हारे पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। अरे ये तुम नहीं समझोगी, जो लोग रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं ना वो बहुत रोमांटिक होते हैं, शिवानी शर्माते हुए बोली। और मुझे लगता है कि अरमान भी बहुत रोमांटिक है। तनुजा मुस्कुराई और बोली, हाँ अरमान बहुत रोमांटिक है। ये शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा था। पूरा मॉल घूमने में शिवानी और तनुजा को 1 घंटा लग गया। तनुजा को वहाँ कुछ ड्रेसेस पसंद आई थीं और वो उन्हें खरीदना चाहती थी, पर उसे महसूस हुआ कि अब उसका बेबी बम्प कुछ दिनों में नजर आने लगेगा और वो ये सब ड्रेसेस नहीं पहन पाएगी। तब उसे ढीले ढाले कपड़े ही पहनने होंगे। अगर तुम्हें वो ड्रेसेस अच्छी लग रही हैं तो तुम उन्हें खरीद सकती हो। वैसे भी अरमान बहुत रिच है, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, शिवानी ने कहा। हाँ मैं जानती हूँ, पर इस तरह मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अपने लिए मैं कुछ और ही खरीद लूंगी। वैसे तुम यहाँ अपने लिए शॉपिंग करने आई हो या फिर अरमान के लिए गिफ्ट लेने? शिवानी तनुजा को छेड़ते हुए बोली। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ तो अरमान के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। वैसे मैंने बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की है, इतनी सुंदर ड्रेसेस देखकर ना मेरा ध्यान ही भटक गया था। तनुजा की बात सुनकर शिवानी हंस पड़ी। चलो अब कुछ खा लेते हैं, मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, तनुजा ने एक्साइटेड होकर कहा। अरमान को तो सब जानते ही हैं, पर तुम भी कम तीखी नहीं हो, जाने तुम दोनों का होने वाला बच्चा कैसा होगा, इतना कहकर शिवानी हंसने लगी। तनुजा मुस्कुराई और शिवानी की तरफ देखते हुए बोली, ये सब तुम अरमान के सामने जरूर कहना। इसके बाद वो दोनों बातें करती हुई आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो दूसरे फ्लोर पर जाने लगी तो अचानक काले कपड़ों में एक औरत वहां आई और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गर्म गिलास का पानी तनुजा के ऊपर फेंक दिया। तनुजा और शिवानी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि उन दोनों को कुछ ही समझ में नहीं आया।
तनुजा और शिवानी ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, पर फिर भी गर्म पानी के छींटे उनकी बॉडी और हाथों पर गिर गए। शिवानी के ऊपर ज्यादा पानी के छींटे नहीं गिरे थे, इसलिए उसे कम दर्द हो रहा था। लेकिन शिवानी को तनुजा की फिक्र थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। शिवानी झट से उस औरत को पकड़ने के लिए भागी। कुछ ही देर में शिवानी ने उस औरत को पकड़ लिया और वो औरत अपने हाथ पैर मारने लगी ताकि वो वहां से भाग सके। तनुजा जैसे ही उनके करीब आई तो उस औरत का चेहरा देखकर तनुजा हैरान रह गई। ये औरत और कोई नहीं बल्कि आशा थी। आशा पहले से बहुत अलग दिख रही थी। पहले वो ब्रांडेड कपड़े पहनकर और मेकअप करके रखती थी। उसके हाथ में हमेशा एक ब्रांडेड बैग होता था, पर इस बार उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके गले और हाथ पर भी चोटें लगी हुई थीं, जिस वजह से आशा को पहचानने में तनुजा को थोड़ा वक्त लगा। वहीं शिवानी बहुत स्लिम थी, जिस वजह से आशा ने उसे पूरी ताकत से पीछे की तरफ धकेल दिया और शिवानी जाकर स्टील की रेलिंग से टकरा गई। उस दर्द से शिवानी की चीख तक निकल गई। इसके बाद आशा तनुजा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ी और गुस्से से बोली, तनुजा तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तनुजा प्रेग्नेंट थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए वो अपने कदम पीछे लेने लगी। पर आशा फिर भी नहीं मानी। उसने तनुजा के बाल पकड़ लिए और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ तनुजा पर उठाया, लेकिन तनुजा ने अपने बचाव में आशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक आशा चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने मेरी बेटी से उसके प्यार को छीन लिया और अब तुमने मेरी ये हालत कर दी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आशा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से तनुजा का गला पकड़ लिया और तनुजा को पीछे की तरफ धकेलने लगी। तनुजा आखिर में दीवार से जा टकराई। उसने तनुजा का सिर दीवार में मारा। तनुजा इस वक्त सांस नहीं ले पा रही थी। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। शिवानी जैसे ही तनुजा को बचाने के लिए आगे बढ़ी, तभी वहां एक लड़का आया जिसने आशा को पकड़कर तनुजा से दूर कर दिया और आशा जमीन पर जा गिरी। तनुजा को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसने सांस लेने की कोशिश की। इस वक्त तनुजा का चेहरा लाल पड़ चुका था। गला दबाने की वजह से उसका दम घुटने लगा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तभी आशा जमीन से उठी और वो दोबारा तनुजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, पर इस बार उस लड़के ने आशा को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से आशा दर्द से चिल्लाने लगी। तनुजा तुम ठीक तो हो? शिवानी ने तनुजा के पास आकर पूछा। तनुजा के चेहरे पर इस वक्त दर्द साफ दिख रहा था। तनुजा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? तनुजा ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। आशा ने तनुजा का सिर दीवार में इतनी तेज मारा था कि अब उसके सिर में दर्द होने लगा। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। इतना कहकर शिवानी अपना फोन ढूंढने लगी, तो उसे याद आया कि इस सब के बीच उसका फोन कहीं गिर गया है। शिवानी का फोन दूर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो जैसे ही अपने फोन को उठाने लगी, तभी एक अजनबी लड़का झुका और उसने शिवानी का फोन उठाकर शिवानी को पकड़ाया। थैंक्स, शिवानी ने कहा। शिवानी ने जैसे ही उस लड़के का चेहरा देखा तो वो थोड़ी देर के लिए चुप पड़ गई। तुम यहाँ? उसने सोचा नहीं था कि वो लड़का सिद्धार्थ होगा। इस वक्त सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं थे। वो बहुत नाराज था। सिद्धार्थ ने शिवानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा तनुजा के पास गया और उसने उसे गोद में उठा लिया। तनुजा सिद्धार्थ के ऐसा करने पर हैरान थी। उसने जैसे ही उस लड़के के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे हमेशा लगता था कि अरमान सबसे हैंडसम है, पर ऐसा नहीं था। तनुजा मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये लड़का कौन है। उसकी लंबी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ थे। आखिर ये लड़का है कौन? तनुजा को ये लड़का जाना पहचाना सा लग रहा था। क्या तनुजा इस लड़के से पहले मिल चुकी थी? पर तनुजा को याद नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ से पहले कब मिली थी। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, तुम? इससे पहले तनुजा आगे कुछ बोल पाती, तभी वहाँ दो सिक्योरिटी गार्ड्स आए और वो दोनों आशा को इस तरह जमीन पर दर्द से कराहता हुआ देख हैरान रह गए। एपिसोड 389, सदमा। ये औरत पागल हो चुकी है, इसने हम पर अचानक से हमला कर दिया। इसे अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाओ, शिवानी सिक्योरिटी गार्ड से बोली।
वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। तभी आशा अपने बचाव में बोल पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा इन लोगों ने मुझे मारा है, इन्होंने मेरा हाथ भी तोड़ दिया है। आशा खुद को जमीन से उठाने की कोशिश करते हुए रोने लगी और आगे बोली, तुम लोगों को इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। मैं तुम्हारे मॉल की रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं हर साल करीब 10 लाख से भी ज्यादा की यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। तभी वहाँ खड़ा एक कस्टमर आशा की तरफ इशारा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड से बोला, तुमने इन दोनों पर पहले हमला किया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप लोग अभी के अभी पुलिस को फोन लगाइए, हम इस औरत को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, तनुजा ने कहा। तभी अचानक सिद्धार्थ ने तनुजा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे एस्केलेटर की तरफ ले गया। तनुजा हैरान थी और उसने सिद्धार्थ की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। माना कि सिद्धार्थ बहुत हैंडसम था, पर फिर भी अरमान के अलावा तनुजा को कोई और छुए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिलना डुलना बंद करो, हम एस्केलेटर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, सिद्धार्थ गुस्से से तनुजा की तरफ देखते हुए बोला। तनुजा इस वक्त बहुत डर चुकी थी, वो दोनों एस्केलेटर पर थे और तनुजा प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसने हिलने की हिम्मत तक नहीं की। उल्टा तनुजा ने सिद्धार्थ का हाथ कसकर पकड़ लिया। शिवानी भी उन दोनों के पीछे पीछे आने लगी। सिद्धार्थ बहुत लंबे लंबे कदम लेते हुए आगे बढ़ रहा था, शिवानी को उसके पास पहुंचने के लिए 2 कदम ज्यादा लेने पड़ रहे थे, फिर भी वो उनके करीब नहीं पहुंच पा रही थी। आखिर में जब शिवानी सिद्धार्थ तक नहीं पहुंच पाई तो उसने भागना शुरू कर दिया। शिवानी जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंची, उसने देखा कि सिद्धार्थ ने तनुजा को गोद में उठाया हुआ है। इस वक्त सिद्धार्थ का हैंडसम चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था, वो बहुत नर्वस भी था, ऐसा लग रहा था मानो उसे खुद को कहीं चोट आई हो। शिवानी मन ही मन सोच रही थी कि अगर अरमान ने तनुजा और सिद्धार्थ को इस तरह एक साथ देखा तो क्या होगा। अरमान तनुजा को किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता था। शिवानी के दिमाग में ये बात अभी घूम ही रही थी कि सच में तनुजा बहुत खूबसूरत है। तभी अरमान जैसा हैंडसम लड़का, जो कि तनुजा से उम्र में कुछ साल बड़ा है, वो भी उसके प्यार में पड़ गया। और अब ये लड़का जो पहली बार तनुजा से मिला है और उम्र में उससे बहुत छोटा भी है, उसे भी तनुजा पहली नजर में ही पसंद आ गई। यहाँ सिद्धार्थ तनुजा को सीधा अपनी कार के पास ले गया। उसने तनुजा को बड़े ही ध्यान से फ्रंट सीट पर बिठा दिया और खुद जाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी शिवानी जल्दी से आकर कार की बैक सीट पर बैठ गई। उसने जैसे ही कार का दरवाजा बंद करना चाहा, अचानक कार तेज रफ्तार से चलने लगी। शिवानी को कुछ समझ नहीं आया, उसने अपनी सीट को कसकर पकड़ लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो चिल्लाते हुए सिद्धार्थ से बोली, क्या तुम मेरे दरवाजा बंद करने का इंतजार नहीं कर सकते थे? मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि बैक सीट पर भी कोई बैठा है, सिद्धार्थ ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा। इसके आगे शिवानी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही और अपने दिल पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इस वक्त डर की वजह से उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शिवानी के दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो भी मॉल में सिद्धार्थ से कुछ दूरी पर ही थी, पर फिर भी सिद्धार्थ ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ तनुजा पर ही था। सिद्धार्थ से मिले शिवानी को एक ही दिन हुआ था। सिद्धार्थ ने शिवानी के हाथों से बना हुआ खाना तक खाया था, लेकिन अब वो शिवानी को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। क्या इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरत लोगों का ही राज है? क्या शिवानी बदसूरत है? क्या सच में? अगर देखा जाए तो तनुजा और शिवानी का कोई मुकाबला नहीं था। क्या लड़कों को तनुजा जैसी खूबसूरत लड़कियां ही पसंद आती हैं? तनुजा और शिवानी का ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल अलग था, यहाँ तक कि उन दोनों का नेचर भी अलग था। क्या लड़कों को सिर्फ तनुजा जैसी नाजुक लड़कियां ही अच्छी लगती हैं? शिवानी मन ही मन सोचने लगी। वैसे भी शिवानी का आरव से रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब वो वक्त नहीं था जब शिवानी अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होती रहे। कुछ देर बाद शिवानी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने तनुजा से पूछा, तनुजा तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तनुजा ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखकर चिंता जताते हुए कहा। तनुजा की बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। क्या तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? शिवानी डरते हुए बोली। वो मन ही मन बड़बड़ाई, अगर तनुजा के बेबी को कुछ हो गया तो अरमान मुझे कच्चा ही चबा जाएगा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है,
मैंने ही तनुजा को इस शॉपिंग मॉल में आने को कहा था। शिवानी को अरमान से बहुत डर लगता था, पर फिर भी वो जानती थी कि तनुजा की हालत के बारे में अरमान को बताना बहुत जरूरी है। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अरमान को फोन लगाया। तनुजा ने जब देखा कि शिवानी अरमान को फोन कर रही है तो उसने भी शिवानी को नहीं रोका। शिवानी ने झट से अरमान का नंबर डायल किया। इससे पहले कि शिवानी कुछ कहती, अरमान ने फोन उठाते ही कहा, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, मैं यहाँ पार्किंग लॉट में ही हूँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ आ रहा हूँ। अरमान को कुछ देर पहले ही दो लोगों का फोन आया था जिन्हें अरमान ने तनुजा पर नजर रखने के लिए हायर किया था। उन्होंने अरमान को मॉल में जो कुछ भी हुआ वो सब डिटेल में बता दिया था। इस वक्त अरमान बहुत गुस्से में था। जब पहले अरमान को पता चला था कि आयशा ने तनुजा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तभी उसने तनुजा की प्रोटेक्शन के लिए दो लोगों को हायर किया था। वो दोनों तनुजा पर छुपकर नजर रख रहे थे। जिस वक्त ये सब हुआ तब वो लोग शिवानी और तनुजा से थोड़ी दूरी पर ही थे। यही वजह थी कि आशा ने मौके का फायदा उठाकर तनुजा पर हमला कर दिया था। शिवानी अरमान की बात सुनकर हैरान रह गई। वो सोच रही थी कि आखिर अरमान को सारी खबर इतनी जल्दी कैसे पता चली। मुझे तनुजा तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्या वो ठीक है, ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे, अरमान हड़बड़ाते हुए बोला। वो पसीना पसीना हो चुका था। आशा ने तनुजा पर बहुत बार हमला किया था, इसलिए तनुजा के पेट में दर्द हो रहा था। हम तनुजा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, शिवानी ने जवाब दिया। अरमान की आवाज से साफ पता लग रहा था कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। उसने झट से पूछा, तुम लोग कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो? हालांकि शिवानी ने फोन लाउड स्पीकर पर नहीं रखा था, पर फिर भी अरमान इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज फोन से बाहर आ रही थी। तभी शिवानी धीरे से सिद्धार्थ से बोली, हम लोग कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर नया हूँ और इस जगह को अच्छे से नहीं जानता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनते ही तनुजा दंग रह गई। उसने हैरान होकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो मन ही मन सोच रही थी कि सिद्धार्थ शहर में नया है, फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे उसे हॉस्पिटल क्यों ले जा रहा है। इसके बाद तनुजा ने शिवानी से कहा, अरमान को कह दो कि हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल पास में ही है, हम 5 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। वो तीनों कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो तनुजा खुद कार से नीचे उतरने लगी, पर अचानक सिद्धार्थ ने जल्दी से आकर कार का दरवाजा खोला और दोबारा तनुजा को गोद में उठाने आगे आया। उसने जैसे ही तनुजा को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, तभी तनुजा ने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं इट्स ओके, मैं खुद चल सकती हूँ। तनुजा को सिद्धार्थ का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसे सिद्धार्थ पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। उसे सिद्धार्थ से कहीं ना कहीं अपनापन सा महसूस जरूर हो रहा था, पर तनुजा सिद्धार्थ के उसको गोद में उठाने पर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तनुजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे अरमान के अलावा और कोई भी टच करे। नहीं, मैं तुम्हें खुद चलकर हॉस्पिटल तक नहीं जाने दूंगा, तुम्हें सिर पर चोट लगी है, बेहतर होगा तुम ज्यादा मत चलो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने तनुजा को गोद में उठाया और उसे सीधे इमरजेंसी वार्ड में ले गया। जब डॉक्टर ने देखा कि सिद्धार्थ तनुजा को इस तरह गोद में लेकर आ रहा है तो उन्हें लगा कि तनुजा की हालत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने तनुजा को सीधा बेड पर शिफ्ट कर दिया। सिद्धार्थ ने बड़े ही आराम से तनुजा को बेड पर लिटाया। तनुजा को इस वक्त बहुत बुरा फील हो रहा था। वो जानती थी कि उसे ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, जिस वजह से उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जो बेड लिया है वो किसी ऐसे पेशेंट को मिल सकता था जिसे उसकी बहुत जरूरत हो। अचानक नर्स ने जल्दी से वहां आकर तनुजा के बारे में डिटेल्स मांगी और कहा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें कहां चोट आई है? इन पर एक औरत ने गर्म पानी से हमला किया और फिर इनका गला दबाने की कोशिश भी की, सिद्धार्थ सीरियस होते हुए बोला। नर्स ने जैसे ही सिद्धार्थ की आवाज सुनी तो नर्स सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ को देखते ही वो उसे देखती ही रह गई। सिद्धार्थ इतना हैंडसम था कि उसे एक बार जो देख लेता वो देखता ही रह जाता। पर फिर भी नर्स ने अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए आगे कहा, मैम बताइए आपको कहाँ चोट आई है? इन्हें सिर और गले पर चोट आई है, सिद्धार्थ ने कहा। और हाँ, ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हैं, आप एक बार इनका अच्छे से चेकअप कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शिवानी झट से बोली। शिवानी की बात सुनते ही सिद्धार्थ मानो जम गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसने एक नजर शिवानी की तरफ हैरान होते हुए देखा और वह ऐसे ही चुप खड़ा रहा।
शिवानी ये साफ साफ देख पा रही थी कि कुछ देर पहले सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था, पर अब अचानक सिद्धार्थ का चेहरा मायूसी से भर गया था। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तनुजा के प्रेग्नेंट होने से सिद्धार्थ अचानक से अपसेट क्यों हो गया है। वो सोचने लगी कि कहीं सिद्धार्थ को तनुजा से प्यार तो नहीं हो गया। तभी तनुजा के प्रेग्नेंट होने की खबर पता चलते ही सिद्धार्थ परेशान हो गया था। शिवानी को सिद्धार्थ के लिए बुरा भी लग रहा था। वो सोच रही थी, आजकल की यंग जनरेशन बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी अपना दिल दे बैठती है। वहीं तनुजा ने सिद्धार्थ के रिएक्शन पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने बेबी को लेकर बहुत परेशान थी। उसका सारा ध्यान अपने होने वाले बच्चे पर था। जैसे ही नर्स ने तनुजा की प्रेगनेंसी की बात सुनी, वो भी बहुत सीरियस हो गई। उसने तनुजा को अल्ट्रासाउंड रूम में शिफ्ट किया, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसने तनुजा के कुछ टेस्ट भी किए। सिद्धार्थ और शिवानी वहीं बाहर कॉरिडोर में तनुजा का इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ परेशान होता हुआ कॉरिडोर में आगे पीछे घूम रहा था। तभी अचानक सिद्धार्थ जोर से दीवार में लात मारते हुए गुस्से से चिल्लाया, डैमन। ये देखकर शिवानी उठी और परेशान होकर बोली, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम तनुजा को मनी मन पसंद करने लगे हो? आखिर तुम आगे करना क्या चाहते हो? सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले शिवानी की तरफ गुस्से से देखा। सिद्धार्थ की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे तनुजा से पहली बार मिलने पर कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, बल्कि सबके पीछे कोई और वजह है। शिवानी अब समझ चुकी थी कि सबके पीछे जरूर कोई सीरियस बात है जिस वजह से सिद्धार्थ इतना परेशान है। अचानक सिद्धार्थ गुस्से से बोला, इस वक्त मुझसे बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मूड बहुत खराब है। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। ये सुनते ही शिवानी चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो भी सिद्धार्थ से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना ध्यान सिद्धार्थ से हटाकर तनुजा पर ही लगाना बेहतर समझा। कुछ देर बाद तनुजा जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर रूम से बाहर आई, तो सिद्धार्थ वहीं कुछ दूरी पर अपनी पीठ दीवार से लगाकर खड़ा था। तनुजा को देख शिवानी उठी और परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम्हारे होने वाले बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना? तनुजा ने जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर ने मुझे गायनोकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट दिखाने को कहा है। शिवानी जैसे ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने लगी कि तभी सिद्धार्थ वहां आया और उसके हाथ से वो रिपोर्ट छीन ली। सिद्धार्थ बड़े ध्यान से रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसे रिपोर्ट में प्रेग्नेंट शब्द के अलावा और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एपिसोड 390, गलतफहमी। सिद्धार्थ की आंखों में इस वक्त गुस्सा था। जब सिद्धार्थ को पता लगा था कि तनुजा अरमान के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसका मन कर रहा था कि वो अरमान की जान ले ले। पर अब जब सिद्धार्थ को ये पता लगा कि तनुजा अरमान के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। अचानक शिवानी धीमी सी आवाज में तनुजा के कान में फुसफुसाती हुई बोली, सिद्धार्थ हमारा नया पड़ोसी है, मुझे लगता है इसे तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए इसने हमारे अपार्टमेंट के साथ वाला अपार्टमेंट खरीदा। देखो तो जरा, उसे तुम्हारे प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही कितना बड़ा सदमा लगा है। अब तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। तभी शिवानी आगे बोली, तुम्हें बूढ़े और जवान लोग दोनों ही पसंद कर लेते हैं, तुम ऐसा क्या जादू करती हो जो सब तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं? जरा मुझे भी तो बताओ। बूढ़े और जवान लोग, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या शिवानी के बोलने का मतलब ये था कि अरमान बूढ़ा है और सिद्धार्थ जवान? तनुजा ने कुछ देर सोचने के बाद सिद्धार्थ से कहा, मेरे और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू। मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो अभी सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम प्रेग्नेंट भी हो गई? सिद्धार्थ ने गुस्से से रिपोर्ट्स को हवा में हिलाते हुए कहा, तुम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो और अभी तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तनुजा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? सिद्धार्थ के मुंह से ये सब सुनकर तनुजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सिद्धार्थ के अलावा उसके सामने कोई और इंसान होता तो तनुजा जरूर उसे खरी खोटी सुनाती, पर न जाने क्यों सिद्धार्थ की तरफ देखकर तनुजा के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी शिवानी उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करते हुए सिद्धार्थ से बोली, वैसे मैं देख रही हूँ कि कल रात से तुम्हारा बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तनुजा अपनी जिंदगी में जो मर्जी करे, तुम्हें उससे क्या?
माना पहले मेरा तनुजा से कोई वास्ता नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों का आने वाले वक्त में भी कोई वास्ता नहीं होगा, सिद्धार्थ ने झट से कहा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही तनुजा दंग रह गई। शिवानी भी बहुत परेशान थी कि सब कुछ जानने के बाद भी सिद्धार्थ ऐसी बातें कर रहा है। शिवानी को अब अफसोस हो रहा था कि उसने सिद्धार्थ जैसे लड़के को अपने अपार्टमेंट में आने दिया और उसके साथ डिनर भी किया। तनुजा वैसे तो किसी अनजान आदमी की इतनी बातें सुनती नहीं थी, पर न जाने क्यों इस बार वो चुपचाप सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी। आखिर तनुजा को हुआ क्या था? तभी सिद्धार्थ ने कुछ कदम पीछे लिए और फिर वो बोला, चलो तुम्हारी रिपोर्ट्स चलकर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ तनुजा की तरफ बढ़ा, वो समझ गई कि सिद्धार्थ आगे क्या करने वाला है। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, पर तब तक सिद्धार्थ उसे गोद में उठा चुका था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं खुद चल सकती हूँ? तनुजा इस बार बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अगर तुम खुद चलकर जाओगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। इस वक्त ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर सिद्धार्थ तनुजा को गोद में उठाए गायनेकोलॉजिस्ट के पास लंबे लंबे कदम लेते हुए बढ़ने लगा। शिवानी भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल रही थी कि तभी अरमान भी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने अपनी कार पार्क की और वो शिवानी को फोन करने लगा। तभी अचानक अरमान की नजर शिवानी पर पड़ी, जो कि एक लड़के के पीछे पीछे चल रही थी। अरमान की नजर उस लड़के पर पड़ी। तनुजा को सिद्धार्थ की गोद में देखकर अरमान हैरान हो गया। वो तनुजा को दूर से ही पहचान गया था। अरमान मन ही मन सोचने लगा कि तनुजा इस वक्त किसी गैर मर्द की बाहों में क्या कर रही है। अरमान का मन कर रहा था कि वो सिद्धार्थ की जान ले ले, पर फिर वो सोचने लगा कि आखिर तनुजा उसे धोखा क्यों देगी, क्योंकि वो तो अरमान के बच्चे की माँ बनने वाली है। जरूर तनुजा को बहुत चोट आई होगी और वो चलने की हालत में नहीं होगी। अरमान भागता हुआ वहां पहुंचा और उनका रास्ता रोकते हुए तनुजा से बोला, तनुजा तुम ठीक हो? हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? अरमान अचानक से तनुजा के सामने आया था, जिस वजह से तनुजा एकदम से डर गई थी। वो सोच रही थी कि उसको सिद्धार्थ की गोद में देखकर अरमान को कैसा फील हो रहा होगा। अरमान कॉलेज में भी तनुजा के आसपास किसी और लड़के को भटकने तक नहीं देता था। वो तनुजा के मेल फ्रेंड से भी जेलस फील करता था और इस वक्त तनुजा उसके सामने किसी और लड़के की गोद में थी। न जाने अरमान को इस वक्त कैसा लग रहा होगा। वहीं सिद्धार्थ का तनुजा को गोद से उतारने का भी कोई इरादा नहीं था। अरमान ने तनुजा के पैरों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पैर में भी चोट आई है? नहीं, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं और हमारे बेबी को भी कुछ नहीं हुआ। अगर तुम खुद चल सकती हो और हमारा बच्चा सही सलामत है, तो फिर तुम इस लड़के की गोद में क्या कर रही हो? तुमने इसे खुद को उठाने कैसे दिया? अरमान देख पा रहा था कि तनुजा इस वक्त बहुत डरी हुई है और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। अगर थोड़ी देर पहले आशा ने उसके साथ ये सब ना किया होता तो वो जरूर इस वक्त उस लड़के को जान से मार देता। सिद्धार्थ दिखने में दिलप्रीत से भी कहीं ज्यादा हैंडसम था। अरमान के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आगे बढ़ा और तनुजा को अपनी गोद में लेने के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने सिद्धार्थ से कहा, थैंक यू मेरी वाइफ की जान बचाने के लिए। अब तनुजा का ख्याल मैं खुद रख लूंगा, लाओ इसे मुझे दो। अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, सिद्धार्थ गुस्से से बोला। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? सिद्धार्थ की नजरों में अरमान की इमेज तभी खराब हो गई थी जब उसने आते ही अपने होने वाले बच्चे के बारे में तनुजा से पूछा था। अरमान ने एक बार भी ये नहीं देखा कि तनुजा को कहां चोट आई है। उसका ध्यान तो तनुजा के गले पर पड़े निशान पर भी नहीं गया था। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए अरमान ने कहा, हम आज नहीं तो कल शादी कर ही लेंगे, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तनुजा को अभी अपनी वाइफ कहूँ या बाद में, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तनुजा की फैमिली ने तनुजा और तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह दी हो और वो तुम दोनों की शादी से बहुत खुश हो, सिद्धार्थ झट से बोला। इस वक्त अरमान का खून गुस्से से खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सिद्धार्थ का खून कर दे। उसने गुस्से से सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा, हम दोनों के बीच की बात है ये, तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? वैसे भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझता। अभी के अभी तनुजा को गोद से उतारो, वरना मैं उसे संभाल सकता हूँ। मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बाद में मुझे मत कहना अगर मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो गया, और ये तुम्हारे लिए तो अच्छा ही नहीं होगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और इसे गोद में उठाए, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ के मुंह से ये बात सुनते ही अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से फटने ही वाला था। ये पागल लड़का कहां से आया है? इसे यहां किसने आने दिया? अरमान ने गुस्से से कहा।
वहीं तनुजा ने उन दोनों के बीच में बोलने की जरा भी हिम्मत नहीं की। वो बहुत डरी हुई थी। कहीं ना कहीं उसे सिद्धार्थ से एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था, जिस वजह से वो सिद्धार्थ को कुछ नहीं कह पा रही थी। वहीं पर तनुजा जानती थी कि अगर ये दोनों इसी तरह बहस करते रहे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए तनुजा ने अपने हाथ अरमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरमान तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। ये सुनकर अरमान खुश हो गया। वो जैसे ही तनुजा को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी अचानक सिद्धार्थ तनुजा को लेकर वहां से जाने लगा। शिवानी को अरमान का गुस्से से लाल पड़ा चेहरा देखकर अब डर लगने लगा। इससे पहले कि अरमान सिद्धार्थ को मारने के लिए आगे बढ़ता, शिवानी उसे रोकते हुए झट से बोली, डॉक्टर ने कहा है कि तनुजा की हालत ठीक नहीं है, अभी उसका होने वाला बच्चा भी खतरे में है। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। शिवानी की बात सुनते ही अरमान ने खुद को शांत किया। इस वक्त उसे अपने होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे डर था कि कहीं वो अपने बच्चे को खो ना दे। ये खुशी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। आखिरकार अरमान तनुजा के बच्चे का डैडी बनने वाला था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके गुस्से की वजह से सब कुछ बिगड़ जाए। वो भागता हुआ सिद्धार्थ के पीछे गया। वो इतने गुस्से में था कि उसका बस चलता तो वो सिद्धार्थ को इतना मारता कि वो कभी उठ नहीं पाता। पर अरमान को ये डर था कि कहीं इस सब के बीच तनुजा और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए अरमान को अपने गुस्से का घूंट पीना पड़ा और सिद्धार्थ की हरकतों को झेलना पड़ा। वैसे भी अरमान सिद्धार्थ से बदला बाद में भी ले सकता था। अरमान चाहता तो कुछ भी कर सकता था। वो तो मन में ये सोच रहा था कि जब तनुजा का चेकअप हो जाएगा उसके बाद अरमान सिद्धार्थ को छोड़ेगा नहीं। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बात करने की? अरमान मन ही मन बड़बड़ाया। गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में मेल्स अलाउड नहीं थे, इसलिए शिवानी तनुजा के साथ अंदर डॉक्टर के पास गई। तनुजा अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा और वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मेरी जितनी मदद करनी थी अब तुम कर चुके हो। मेरी मदद के लिए थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर तनुजा थोड़ी देर चुप रही और फिर वो अरमान की तरफ देखकर बोली, अरमान प्लीज अपने गुस्से को काबू में रखना, मेरे जाने के बाद तुम दोनों झगड़ा मत करना। अरमान ये सुनकर बहुत इरिटेटेड फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी तनुजा इस लड़के की साइड ले रही है। तभी अरमान ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तनुजा और शिवानी गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर गए। अभी डॉक्टर उस रूम में किसी और पेशेंट का चेकअप कर रही थी, इसीलिए तनुजा और शिवानी वहां इंतजार करने लगे। तभी शिवानी तनुजा के कान में फुसफुसाते हुए बोली, आखिर सब चल क्या रहा है? तुम उस लड़के से इतनी नरमी से क्यों पेश आ रही हो? क्या ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत हैंडसम है? मुझे लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे पेट में अरमान का बच्चा पल रहा है। कहीं तुम उस लड़के को पसंद तो नहीं करने लगी हो? शिवानी की बातें सुनकर तनुजा हैरान थी। उसने उसे समझाते हुए कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अभी भी अरमान को ही प्यार करती हूँ। वक्त का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, शिवानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये लड़का बहुत गुड लुकिंग है, जब वो अरमान के साथ खड़ा था तो उसका तो ऑरा ही अलग था। हाँ मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ हैंडसम है, पर अरमान बहुत मैच्योर है,